चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एडिशन अमेंडमेंट नहीं है, पर टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर में एडिशन अमेंडमेंट है। तो चलो आओ पहले टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर निकालो। टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर निकालिए जल्दी से। हाँ जी, टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर पे आ गए। देखिए टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर, तो पहले देखते हैं अमेंडमेंट एडिशन टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या है। तो देखना स्टार्ट करते हैं, इस पेज पर कोई अमेंडमेंट एडिशन नहीं है, इस पे भी कोई अमेंडमेंट एडिशन नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। हाँ यहां पे है, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में यहां पे रेड में आ रहा है, तो ये अमेंडमेंट है। तो जल्दी बताओ आप लोग लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन पे आ गए। अब सुनो, लिस्टेड कंपनी का डेफिनेशन क्या होता है। लिस्टेड कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसने अपने एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, एनी ऑफ द सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया हुआ है ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इसका मतलब कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, डिबेंचर को भी कराती है, डिबेंचर इज ऑल्सो एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, बॉन्ड को करवाती है ना, म्यूचुअल फंड है वो अपने यूनिट्स को लिस्ट कराते हैं, तो ये सब के सब लिस्टेड माने जाते हैं। लेकिन इस केस में एक प्रोवाइजो ऐड किया है, और ये प्रोवाइजो क्या कहता है सो सुनो। प्रोवाइजो का मतलब हमेशा एक्सेप्शन होता है। ये बोला सच क्लास ऑफ कंपनी, मतलब कुछ कंपनीज होंगी विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज। अब सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज तो मत, सच क्लास ऑफ कंपनी अगर सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी को लिस्ट करवाती भी है तो भी इन कंसल्टेशन विद सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना के कह सकता है कि वो लिस्टेड नहीं मानी जाएंगी, वो लिस्टेड मानी नहीं जाएगी, मतलब शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। मतलब आप सच क्लास ऑफ कंपनी, वो कौन क्लास ऑफ कंपनी होगी ये रूल बनेगा। आपने सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी, अब वो कौन से क्लास ऑफ सिक्योरिटीज होंगे ये जब रूल बनेगा तो पता चलेगा, है ना। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी के साथ कंसल्ट करके हो सकता है कि लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर कर दे। इवन वो लिस्टेड है, उसने अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट कराया है, लेकिन चूंकि वो सच क्लास ऑफ कंपनी है या सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी को लिस्ट कराया है, तो हो सकता है कि लिस्टेड होने के बावजूद भी उसको लिस्टेड कंपनी ना माना जाए, लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर कर दिया जाए। जहां लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर हुए, अब आपके ऊपर से सिक्योरिटी लॉ लगना बंद हो जाएगा, सिर्फ कंपनी लॉ लगेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाता हूं कि मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दिया कि सच क्लास ऑफ कंपनी से बोल दिया कि प्राइवेट कंपनी अगर अपने डेट सिक्योरिटी को लिस्ट करवाती हैं, तो लिस्ट कराने के बावजूद भी वो क्या नहीं मानी जाएंगी, लिस्टेड नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी छोटी कंपनी होती है, है ना। क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी आप जब सीएस प्रोफेशनल में जाओगे तो उनको भी एक रूट दिया जाता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट से जो उन लोगों ने सिक्योरिटीज बेचा है उसकी भी लिस्टिंग हो सकती है। ऐसी पब्लिक कंपनी जो प्रोस्पेक्टस नहीं भी लाती है लेकिन फिर भी अपने प्राइवेटली प्लेस शेयर को बेचते हैं, वो फिर भी वो उसकी भी लिस्टिंग हो सकती है, वो फाइनल में आप पढ़ेंगे। पर जनरल रूल तो ये कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, अभी तक आप यही समझ रहे थे कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है। पर पब्लिक कंपनी में भी कुछ टाइप ऑफ पब्लिक कंपनी को जो प्रोस्पेक्टस लाके शेयर्स न लाई हो और मालूम चला उसकी लिस्टिंग कराने जा रही हो, प्राइवेटली प्लेस्ड शेयर्स की लिस्टिंग कराने जा रही हो, तो यहां सच क्लास ऑफ कंपनी में किसी भी कंपनी का नाम हो सकता है, सच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज में किसी भी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज का नाम हो सकता है। वो क्या होगा उस पर रूल बनेगा तब आएगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गया एक्ट से कि वो चाहे तो सेबी के साथ कंसल्टेशन करने के बाद कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जो कुछ क्लासेस ऑफ सिक्योरिटी जो प्रिस्क्राइब होंगी अगर वो लिस्ट करा रहे तो लिस्टेड होने के बावजूद भी उसको लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर रखा जाए। और जहां लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर हुए, अब आपके ऊपर सिक्योरिटी लॉ लगना बंद हो जाएगा, सिर्फ कंपनी लॉ लगेगा, है ना। तो ये था, तो पहले वाले चैप्टर में तो यही था टाइप्स ऑफ कंपनी में। अब दूसरा देखते हैं,
टाइप्स ऑफ कंपनी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन एक चैप्टर है हमारा, है ना, उसमें भी एडिशन अमेंडमेंट है। अब वहां कहां एडिशन अमेंडमेंट है देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर पे आ जाइए आप, टाइप्स ऑफ कंपनी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। अब इसमें देखते हैं कहां पे, इसमें अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 8 कंपनी में अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले सेक्शन 8 कंपनी पर आइए आप, सबसे पहले किसके ऊपर आइए, सेक्शन 8 कंपनी पर पहुंचिए, सेक्शन 8 कंपनी पर पहुंचिए जल्दी से। आ गए सेक्शन 8 कंपनी पे। सेक्शन 8 कंपनी आप सबको पता होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं। बाकी सेक्शन 8 कंपनी बनने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे कंडीशंस को मानना होता है, है ना। सब सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि आपने सेक्शन 8 के कंडीशंस को नहीं माना या सेंट्रल गवर्नमेंट के कंडीशंस को नहीं माना तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी पनिशमेंट लग सकती है। तो बस इसमें कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने मैंने आपको बताया था कि डिक्रिमिनलाइज किया है बहुत सारे ऑफेंस को, मतलब बहुत सारे ऑफेंस में से जेल के प्रोविजन को हटा दिया है। यहां भी ऐसे ही हुआ है, जो 3 साल तक की जेल होती थी वो वाला प्रोविजन आप काट देंगे, वो हट गया है, और विद बोथ जो लिखा हुआ था उसको भी काट देंगे। तो इसका मतलब अब सिर्फ बचा हुआ पेनल्टी जो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की हो सकती है, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 25,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना। तो सिर्फ जुर्माना बच जाएगा, जो आपका जेल वाला प्रोविजन है उसको आप काट दीजिए, वो खत्म हो गया है। अब सेक्शन 8 के अंदर जो पेनल्टी पनिशमेंट था वो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। अब ये सिर्फ सिविल पेनल्टी है, क्रिमिनल वाला पनिशमेंट यहां पर नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और देखते हैं कि इसके अंदर और भी क्या एडिशन अमेंडमेंट है। अब इसमें सच और कोई एडिशन अमेंडमेंट नहीं है। अब देखते हैं अगले चैप्टर में, चेकलिस्ट के हिसाब से देखें तो चार्टर डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, ऑल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट में जरूर है। तो हम आते हैं ऑल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट पे, जल्दी से आप भी वहां पहुंचिए, ऑल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट। आगे ऑल्टरेशन ऑफ चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, आगे ऑल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। जल्दी बताइए चैप्टर पे आ गए आप। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें कहां पर एडिशन अमेंडमेंट है। इसमें यहां पे एडिशन अमेंडमेंट है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 16 पे आइए जल्दी से, सेक्शन 16 पे आइए, रेक्टिफिकेशन। आ गए, अगर सेक्शन 16 पे आ गए तो जल्दी से टाइप करके बताइए सेक्शन 16। देखता हूं कितने बच्चे साथ साथ में कर रहे हैं अमेंडमेंट एडिशन। टाइप सेक्शन 16, टाइप सेक्शन 16। यहां पे तो लगभग प्रोविजन बदल दिया गया है और आपने इसके ऊपर एग्जैक्टली एक चार्ट भी बनाया हुआ है सेक्शन 16 के ऊपर, है ना। अब सुनो, इसमें जो चेंज आया है वो चेंज इस वाले में है, वो कौन वाले में है? मैं बताता हूं, ये वाला चेंज जो है वो इस वाले में है कि अगर कभी भी किसी रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ट्रेडमार्क की वजह से आपको अपना नाम रेक्टिफाई करना पड़ रहा है तब उस वाले प्रोविजन में चेंज आ गया है ना।
तो उस वाले प्रोविजन में पहले क्या लिखा हुआ आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब मैं बताता हूं नया क्या है। तो अगर कभी भी किसी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है ना को लगता है कि उसके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता या आइडेंटिकल या सिमिलर नाम है ना किसी कंपनी को दे दिया गया है, मतलब आरओसी ने एक ऐसी कंपनी को रजिस्टर कर दिया है जिस कंपनी का नाम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क उसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मिलता जुलता या सेम है, तो उस केस में वो जो प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच सकता है। पर ये एक यहां पे राइडर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो तब पहुंच पाएगा जब वो 3 साल के अंदर पहुंचे। अब 3 साल कहां से गिनोगे, मालूम चला कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उस नाम से जो नाम इससे मिलता जुलता उसके 3 साल, कंपनी रजिस्टर्ड हुई वही इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन एक ही बात है उसके 3 साल, या मालूम चला कंपनी इनकॉर्पोरेट किसी और नाम से हुई थी अभी कुछ दिन पहले कंपनी ने नाम चेंज किया और नाम चेंज करके उसने जो नया नाम रखा वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, तो इन टोटल 3 साल के अंदर, मतलब 3 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन और द चेंज ऑफ नेम 3 साल के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर पहुंचता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले चेक करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ओपिनियन है कि हाँ सही ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी जिस नाम से इनकॉर्पोरेट हुई है या कंपनी ने जो नया नाम चेंज किया है वो इस ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनी को डायरेक्शन दे सकता है कि तुम अपना नाम रेक्टिफाई करो, अपना नाम चेंज करो। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट की इस ऑर्डर को कंपनी को कितने दिन में मान लेना है, कंपनी को 3 महीने के अंदर बाय पासिंग द ओआर उसको चेंज ऑफ नेम रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम कर लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अगर कभी पता चलता है कि उसके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता या सिमिलर मतलब मिलता जुलता या आइडेंटिकल नाम किसी कंपनी को मिल गया है, कंपनी उस नाम से इनकॉर्पोरेट हो चुकी है या कंपनी ने नाम चेंज करके ऐसा नाम रखा है, तो जिस दिन कंपनी ने नाम चेंज किया या जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई से 3 साल के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके कंप्लेन कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंप्लेन के ऊपर एक बार छोटा सा चेक करेगा, चेक करने के बाद लगता है कि हाँ सच में आइडेंटिकल सिमिलर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर पास कर देगा कि 3 महीने के अंदर आप अपना नाम रेक्टिफाई करो, नाम चेंज करो, और फिर कंपनी को 3 महीने के अंदर अपना नाम आफ्टर पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रेक्टिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज था सेक्शन नंबर 16 के अंदर जो हमने एग्जैक्टली पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे कोई चेंज है कि नहीं, तो आगे अब कोई चेंज नहीं है, तो इस चैप्टर में भी एज सच अब कोई चेंज नहीं है। अब देखते हैं अगला चैप्टर कौन है भाई, अगला चैप्टर प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी में कुछ नहीं है, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन में है। तो अब बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मेशन तो हमने नया ही पढ़ा था स्पाइस प्लस और एजाइल प्रो, उसके बाद भी हल्का सा एक चेंज आया है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर पे आइए आप, फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आगे अब देखिए इसमें कहां चेंज है, इसमें चेंज है यहां पे रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम इस पे आ जाइए। आपको मालूम होगा कि जब कंपनी बन रही होती है तो आप स्पाइस प्लस के थ्रू आप कंपनी का नाम अप्रूव करवा के उस नाम को रिजर्व करवा सकते हैं, पर रिजर्वेशन कुछ ही दिन के लिए होता है और कुछ दिन में आपने उस नाम से कंपनी बना लिया तो ठीक, नहीं तो वो नाम जो रिजर्व है आपके लिए वो फिर फेल हो जाता है, लैप्स कर जाता है। और अगर चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आप रन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट जो चेंज आया वो क्या चेंज आया वो देखो, एक चेंज जो आया है वो रूल 9A जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, रूल 9 के बाद रूल 9A, पहले रूल 9 था ना, देखो यहां पर अगर देखेंगे तो क्या है, रूल 9 है ना, ये देखो रूल 9 है, रूल 9 में के बाद एक रूल 9A जोड़ दिया गया है। और रूल नंबर 9A का जरा सा हेडिंग बोलो, तो हेडिंग क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ नेम, मतलब रिजर्वेशन ऑफ नेम जो आपका नाम अप्रूव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और अप्रूव होते ही वो आपके लिए रिजर्व माना जाता है, पर कुछ ही दिन के लिए रिजर्व माना जाता है। अब वो दिन मालूम चला निकल गया और आप चाहते हैं एक्सटेंशन, मतलब नाम रिजर्वेशन कराने के बाद कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने में आपको ऐसा लगता है कि अभी वक्त लगेगा,
तो वो उस नाम को आप चाहते हैं कि वो नाम आप ही के लिए रिजर्व रहे, तो एक नॉर्मल पीरियड तक तो मुफ्त में आपका नाम रिजर्व किया जाता है, लेकिन एक नॉर्मल पीरियड के बाद अगर आप चाहते हैं फिर भी आप ही के लिए वो नाम रिजर्व रहे कि कंपनी आप बना सकें उसी नाम से, तो उसके लिए कुछ फीस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कुछ फीस देना पड़ेगा। और ये कब से आया है? ये द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन थर्ड अमेंडमेंट रूल 2020। अब देखिए जरा कि ये अब आपको कितना पैसा देना पड़ सकता है। अगर आप अपना नाम 40 डेज तक, कितने डेज तक? 40 डेज, मतलब जिस दिन अप्रूवल हुआ है उससे 40 डेज तक, है ना, आप उसको रखना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं, जनरली 20 डेज मिलता है। जनरली कितना मिलता है? 20 डेज, है ना। तो ये लिखा है आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो देखो लिखा है 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑन पेमेंट ऑफ फीस ऑफ ₹1000 मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। मतलब पहला 20 डे हो गया फ्री, उसके बाद प्लस 20 डेज, तो शुरू से गिनेंगे तो कितना हो गया यहां तक 40, तो प्लस 20 अगर चाहिए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला 20 तो फ्री है, पहला 20 तो फ्री है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां एक अच्छा सा चार्ट बनाता चलता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए यहां पे डेट ऑफ अप्रूवल है, ये है डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम, अप्रूवल ऑफ नेम, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ नेम। ठीक है जी, अब यहां से चलते हैं, यहां से पहला 20 डेज जो है, पहला 20 डेज जो है वो तो फ्री है, ये आपके लिए रिजर्व्ड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप नया और 20 दिन तक इसको रिजर्व कराना चाहते हैं, है ना, तो प्लस 20 डेज और, प्लस 20 डेज और, तो शुरू से गिनेंगे तो ये 40 हो गया, शुरू से गिनेंगे तो क्या हो गया? 40 हो गया। तो उस केस में आपको 1000 रुपए पे करना पड़ेगा। कितना रुपया पे करना पड़ेगा? 1000। उसके बाद और आगे बढ़िए, 60 डेज तक जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब प्लस 20 और, प्लस 20 डेज और चाहते हैं आप, है ना, तो शुरू से गिनेंगे तो ये कितना हो गया? 60 दिन। शुरू से गिनेंगे तो ये कितना हो गया? 60 दिन हो गया ना। तो पहला 20 डेज शुरू से गिन रहे हैं अभी, उसके बाद शुरू से गिन रहे हैं 40, शुरू से गिन रहे हैं 60, 60 दिन, तो प्लस 20 और, तो उस केस में फिर आपको 2000 रुपया देना पड़ेगा। और आगे बढ़ना चाहते हैं, 60 डेज हो गया, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल एक्सपायरी, 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये कैसे कैसे है तो देखो आप, फिर से 60 डेज है, देखिए आप लिखा हो, फिर से बी पॉइंट में भी 60 डेज है, यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है ना, लेकिन अब ये जो लास्ट वाला है सी, इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो क्या है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल अंडर रूल 9 ऑन पेमेंट ऑफ ₹3000 मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल अंडर। इसका मतलब एक ही बार में पूरा 60 डेज का चाहते हैं, एक ही बार में पूरा कितना चाहते हैं आप? 60 डेज का चाहते हैं, मतलब 20 डेज, जैसे अभी मालूम चला यहीं पर कहीं आपने, यहीं पर मैंने 20 डेज अभी कंप्लीट हुआ नहीं था और यहीं पर आपने 3000 रुपए पे कर दिया, तो आप सीधा कहां पहुंच सकते हैं? 60 डेज तक के लिए आपके लिए रख लिया जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कैसे कैसे हो रहा है? क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है कि 60 डेज का चाहिए, तो एक ही बार में 60 डेज का एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर 3000 रुपए आप दे दो पहला फ्री वाला 20 डेज खत्म होने से पहले, तो फिर सीधा 3000 में यहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। और देखो अब बोलोगे सर ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो भी आप कितना लग रहा है? 3000 लग रहा है, पहले 2000 लगा फिर 1000 लगा, तो दोनों ऑप्शन है। तो देख रहे हैं यहां पे कि यहां पे क्या है कि पहले आपने देखा कि 40 डेज में आपने फिर पे कर दिया, फिर 2000 रुपया पे कर दिया, फिर 1000 रुपया पे कर दिया, तो इस तरीके से चल रहा है। तो देखो पहले आपने 1000 रुपया दिया 20 डेज से पहले, 20 डेज कंप्लीट होने से पहले, फिर आपने 40 डेज कंप्लीट होने से पहले फिर 2000 रुपया दिया, अब आप 60 डेज 20 डेज से पहले, मतलब इस तरीके से चलेगा। तो ये जो चार्ट बना है एकदम सही चार्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कैसे चल रहा है बताओ जल्दी से। अगर 20 डेज के बाद प्लस 20 डेज का और लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए दे दीजिए, प्लस मतलब 40 डेज खत्म होने के बाद फिर प्लस 20 डेज चाहते हैं तो अब 2000 रुपए दीजिए। लेकिन मालूम चला शुरू से ही आपने सोच रखा था कि हमें 60 दिन का और चाहिए, तो उस केस में आप सीधा 3000 रुपए देके सीधा आप चाहे तो 60 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो आप सुनो ये कैसे कैसे हुआ। ये तो हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? ए पॉइंट। ये हमारा हो गया बी पॉइंट।
और ये वाला है सी पॉइंट। अब बोलोगे सर सी पॉइंट क्यों अच्छा रहेगा, सी पॉइंट तो में भी तो उतना ही पैसा लग रहा है। आप नहीं समझ रहे हैं, जैसे अगर सी पॉइंट को आपने यूज किया तो एक ही बार 3,000 रुपया देके 60 दिन का एक्सटेंशन ले लिया, लेकिन मालूम चला कि आपने 22वें दिन ही कंपनी बना लिया, तो 22वें दिन का मतलब 20 + 2। अगर आप ही प्लस प्लस करके चलते तो शायद 1,000 रुपया ही लगा रहता, 3,000 रुपया नहीं लगा रहता। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ आपको। तो उस केस में अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं मैं तो जल्दी जल्दी कर लूंगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मालूम चला प्लस 20 डेज का ए पॉइंट में बस वो 1,000 रुपया देके एक्सटेंशन लिया, लेकिन मालूम चला 40 दिन तक भी नहीं बात बन पाया, कंपनी नहीं बन पाई, तो फिर 2,000 रुपया देके और 20 दिन का एक्सटेंशन लिया। तो ये धीरे धीरे वाली लोग चल सकते हैं। अब बहुत ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि नहीं भाई अभी तो नेम रिजर्व हुआ है, अभी हमें कंपनी बनाने में 60 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा, तो पहले से 3,000 रुपया देके एक ही बार में एक्सटेंशन ले लिया, बार बार उसको एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ आप। तो इस तरीके से चलता आ रहा है। तो आप चाहें तो धीरे धीरे भी पैसा देके एक्सटेंशन ले सकते हैं 20 दिन का, और चाहें तो एक बार में ही आप पूरे 60 दिन का एक्सटेंशन ले सकते हैं। 60 दिन का मतलब शुरू से 60 दिन गिनोगे तो 40 दिन का एक्सटेंशन मिला, 20 + 20, पहला 20,000 रुपया, फिर दूसरा 20, 2,000 रुपया, ऐसे करके 3,000 रुपया दे दो, या शुरू से एक बार में 60 दिन का एक्सटेंशन ले लो, एक ही बार में 3,000 रुपया दे दो, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि जिन लोगों को लग रहा है कि हमें एक ही बार में 40 दिन का एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हो सकता है कि हम 2-4 दिन में कंपनी बना लें, हम 20 दिन के बाद बनाएं लेकिन 2-4 दिन में 25वें दिन 26वें दिन बनाएंगे, तो हम 3,000 क्यों देंगे, हम 1,000 देके बनवा लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले बताइए आप। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार और चेंज है, स्पाइस प्लस में आइए, यहां पे एक सिंगल विंडो फॉर्म लिखा हुआ है, स्पाइस प्लस अ सिंगल विंडो फॉर्म, यहां पे पहुंचो आप। यहां जब पहुंचेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहां अजाइल प्रो के अंदर भी हम बहुत चीज करते हैं, और उसमें अगर आपको याद हो तो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सिर्फ महाराष्ट्र में होता है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ अब कर्नाटका में भी होता है, तो महाराष्ट्र में भी होता है और कर्नाटका में भी होता है, तो कर्नाटका ऐड कर लीजिए। क्या ऐड कर लीजिए, कर्नाटका ऐड कर लीजिए। अंशिका वस्त ने लिखा सर पुरानी बुक में ज्यादा है, क्या ज्यादा है पुरानी बुक में, क्योंकि जो मैंने अभी पढ़ाया रूल 9 है ये तो पुरानी बुक में होगा ही नहीं, तो नए बुक के हिसाब से पढ़ना है एडिशन अमेंडमेंट, और पुरानी बुक में जो है वो आप देख लो कि कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा रूल 9 से, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा तो थोड़ी पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कुछ ज्यादा नॉलेज दे रहा तो पुरानी बुक से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो बस कर्नाटका जोड़ देंगे और कुछ नहीं, तो महाराष्ट्र के साथ साथ हमेशा यहां भी फिर आगे भी जोड़ेंगे। तो जहां जहां प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है वहां महाराष्ट्र के साथ साथ आप किसको डाल दो, कर्नाटका को भी डाल दीजिए। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं अगला कहां है भाई। तो कन्वर्जन ऑफ कंपनी में एडिशन अमेंडमेंट है, तो कन्वर्जन ऑफ कंपनी में बेसिकली एडिशन है। अब एडिशन क्या है वो जरा ध्यान से सुनो। देखो पहले आप इस चैप्टर पे आ जाइए जल्दी से, कन्वर्जन ऑफ ए कंपनी चैप्टर पे आ जाइए जल्दी से, कन्वर्जन ऑफ कंपनीज पे जल्दी से आ जाइए। कन्वर्जन ऑफ कंपनी पर अगर आ गए हैं तो बताइए, फिर मैं पढ़ाता हूं। आगे कन्वर्जन ऑफ कंपनी पे, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी में अगर आप देखेंगे तो आप अगर देखोगे तो मैंने यहां तक पढ़ा दिया है, यहां तक मैंने पढ़ा दिया है, तो जो एडिशन मैंने किया है वो एडिशन है ये, देखो यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं, एडिशन है 1, 2, 3, तीन एडिशन है, तो ये 3 प्लस 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 प्लस, ये बात समझ में आई आपको। तो ये तीन प्रोसीजर को मैंने ऐड किया है, तीन प्रोसीजर को मैंने क्या किया एग्जैक्टली, ऐड किया है, लिख लिया तुम लोगों ने, तो चलो आते हैं अब
कंपनी ऑथराइज टू रजिस्टर अंडर द कंपनी एक्ट, वहां से पढ़ना ना। देखिए यहां पे आइए सारे बच्चे, यहां पे आओ। ये नई चीज है, ये पूरा पढ़ना है हम लोगों को अभी। चलो एक बार हेडिंग मुझे जल्दी से टाइप करके दिखाओ, बोल के दिखाओ। कंपनी ऑथराइज्ड टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट, और ये है पार्ट 21 कंपनीज। इसका नाम है पार्ट 21 कंपनीज। ठीक है, तो एक काम कीजिए, पार्ट 21 कंपनीज ही टाइप करके मुझे बता दीजिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं, जिससे कि याद हो जाए आपको कि हम किसके बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। जल्दी टाइप कीजिए। जल्दी टाइप कीजिए। पार्ट 21 ऐसे नहीं लिखना है जैसे रोमन्स में लिखा हुआ है ऐसे। और ये जानवी सिंह पार्ट 20 कंपनी लिख रही है। और पार्ट 21 लिख के कंपनी ऑथराइज्ड टू रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट ये भी लिखना है। ठीक है, अब सुनो ये क्या है। देखो सबसे पहले तो ये जो पार्ट 21 कंपनीज कहते हैं वो कंपनीज नहीं होती हैं, वो कंपनीज नहीं होती हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। पार्ट 21 के अंदर बाहर के लोग कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं वाइंडिंग अप कराने के लिए। अब बोलो वो सर बाहर के लोग कौन होते हैं? अब जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है, देखो यहां लिखा भी हुआ है कि द वर्ड कंपनी इंक्लूड्स एनी पार्टनरशिप फॉर्म, टिक लगाते चलो। तो कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, सोसाइटी है, नॉर्मल सोसाइटी है, एनी अदर बिजनेस एंटिटी है। अब देखो इनमें से तो कोई कंपनी नहीं, ये सब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, इनको हम अनरजिस्टर्ड कंपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जैक्टली अनरजिस्टर्ड कंपनी है ना। तो इसको ऑब्लिक करके लिखो अनरजिस्टर्ड कंपनी, मतलब ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन फिर भी इनको कंपनी एक्ट में कुछ दिनों के लिए एंट्री दी जाती है। अब क्यों एंट्री दी जाती है सो सुनो पहले। ये जो पार्ट 21 कंपनीज जिसके अंदर वो नाम कंपनी दिया जा रहा है पर ये कंपनी नहीं है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सोसाइटी है और एनी अदर बिजनेस एंटिटी है, इन सब के अपने अलग अलग कानून है। लेकिन कहा जाता है कि भारत में बॉडी कॉरपोरेट जितने भी हैं उसमें से वाइंडिंग अप का जितना डिटेल्ड प्रोविजन कंपनी लॉ के अंदर है उतना अच्छा डिटेल्ड प्रोविजन किसी और के वाइंडिंग अप में नहीं है। मतलब एलएलपी का वाइंडिंग अप उतना अच्छा नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का वाइंडिंग अप उतना अच्छा नहीं है, एनी अदर बिजनेस एंटिटी से जुड़े हुए जो लॉज हैं उतना डिटेल में उन्होंने वाइंडिंग अप नहीं दिया है। पार्टनरशिप फॉर्म है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी वाइंडिंग अप का प्रोविजन है पर उतना अच्छा वाइंडिंग अप प्रोविजन नहीं जितना कंपनीज एक्ट में। तो ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग अप करवाने के लिए जनरली कंपनीज एक्ट में घुसते हैं। अब पर चक्कर ये कि कंपनीज एक्ट अप्लाई ऑन कंपनीज, अब ये कंपनीज तो है नहीं, तो जबरदस्ती पार्ट 21 में इनको कंपनी के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब ये नहीं कि पूरे तरीके से कंपनी के सारे फीचर्स इनको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वाइंडिंग अप के लिए आते हैं, सिर्फ इसके लिए आते हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। यहां लिखा भी हुआ है कि ये सारे लोग जो अनरजिस्टर्ड कंपनी, मतलब कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं थे, कुछ दिन के लिए आए हैं और ये अपने वाइंडिंग अप कराने के लिए आए हैं, तो इनको और वाइंडिंग अप कराने के लिए आए तो ऑब्जेक्टिव बस एक ही है कंपनी एक्ट में आने का, विथ अ व्यू टू द कंपनीज बीइंग वाउंड अप। समझ में आ गया? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा
कि ये जो पार्ट 21 कंपनीज हैं, पार्ट पार्टी है ना, देखो पार्ट है ना, तो पार्ट 21 कंपनीज, पार्ट 21 कंपनीज, पार्ट 21 कंपनीज जो हैं, ये बेसिकली ऐसे पार्टनरशिप फर्म हैं, ऐसे एलएलपी हैं, है ना, ऐसे सोसाइटी हैं, या एनी अदर बिजनेस एंटिटी, या एनी अदर बिजनेस एंटिटी, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, पर अभी ये कंपनीज एक्ट में आए हैं अपने लिए वाइंडिंग अप कराने के लिए, पर इनको वाइंडिंग अप के लिए तभी अंदर लाया जाएगा जब इनके यहां मेंबर्स कितने हो, मेंबर्स हैं 7 या 7 से ज्यादा, तभी इनको पार्ट 21 कंपनीज बोला जाएगा, तभी इनको रजिस्टर किया जाएगा। और रजिस्टर जो करा रहे हैं ये पूरे पूरे कंपनी वाले फीचर्स लेने के लिए या ओनली फॉर वाइंडिंग अप, ओनली फॉर वाइंडिंग अप, तो प्रीरिक्विजिट है कि आपके यहां मेंबर्स कितने होने चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा, 7 या 7 से ज्यादा होगा तो इसको पब्लिक कंपनी के तौर पे इसका पूरा वाइंडिंग अप कराया जाएगा, 7 से कम है तो भी इनको आने दिया जाएगा, लेकिन उस केस में फिर इनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा माना जाएगा, है ना, पर लिखते जनरली यही है कि मेंबर कम से कम 7 या 7 से ज्यादा होने चाहिए, मेंबर हमेशा इनके 7 या 7 से ज्यादा होने चाहिए तभी कंपनी एक्ट में आ पाएंगे। चलिए, तो ये लिखा विद एक्सेप्शंस एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेंड इन दिस सेक्शन एनी अदर बिजनेस एंटिटी इज फॉर्म्ड अंडर एनी अदर लॉ, वो किसी और अदर लॉ में, टिक लगाते जाइएगा, अदर लॉ में फॉर्म हुए हैं और उनके यहां मेंबर कितने हैं 7 या 7 से ज्यादा, तो वो कंपनीज एक्ट में आ सकते हैं। और कंपनीज एक्ट में जब आएंगे तो वही आप कंपनीज एक्ट में आप लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी के नाम से आ सकते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के नाम से आ सकते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब जैसे आपके फीचर्स होंगे उस तरीके से आप आ सकते हैं। और बिकॉज ये आते सिर्फ वाइंडिंग अप के लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार अगर वो पार्ट 21 के अंदर रजिस्टर्ड हो गए तो फिर उसको नॉर्मल कंपनी जैसा ट्रीट किया जाएगा। अब वो अलग बात है कि बेचारे सिर्फ वाइंडिंग अप के लिए आ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वाइंडिंग अप के लिए आ रहे हो तो तुमको एज ए कंपनी इज्जत नहीं दी जाएगी। अब आप रजिस्टर्ड हो गए तो फिर आप कंपनी ही माने जाएंगे, बाकी अब कंपनी जैसे माने जाने हैं तो उस केस में कंपनी जैसा कुछ फीचर भी रखो भाई। अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स बनना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका नाम कैसा पुकारा जाए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो अलग बात है कि सिर्फ वाइंडिंग अप के लिए आए हैं, लेकिन वाइंडिंग अप में भी आप चाहते हैं कि आपका नाम पुकारा जाए जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो आपके पास परमानेंट पेड अप और नॉमिनल शेयर कैपिटल होना चाहिए, आपके यहां शेयर्स होने चाहिए, है ना, तभी जाके आपको कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स माना जाएगा। मतलब पहले से आपके अंदर ऐसे फीचर्स होने चाहिए, है ना, या मालूम चला पार्टली इन वन वे डिवाइडेड है, पार्टली इन अनदर वे डिवाइडेड है, मतलब शेयर्स कुछ शेयर्स में डिवाइडेड है, कुछ डेट में डिवाइडेड है, कुछ वो जो पार्टनरशिप के अंदर शेयर्स होते हैं 1:1, 2:1 ऐसे वाले, कोई बात नहीं है, कैपिटल होना चाहिए और कैपिटल डिवाइडेड होना चाहिए इनटू शेयर्स। अब वो किस तरीके से डिवाइडेड है, शेयर्स व्हाट बोल रहे हैं कि नहीं बोले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर है। और ये डिवाइडेड किसके अंदर होना चाहिए, आपके मेंबर्स में। अब जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर का एक कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल छोटे छोटे पार्ट में बटा होना चाहिए जिसको हम शेयर्स बोलेंगे, अब वो पार्टनर्स के बीच में बटा होना चाहिए। अगर ये फीचर्स पहले से आप लेके आ रहे हैं तो जब पार्ट 21 के अंदर रजिस्टर्ड होंगे तो आपको फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही माना जाएगा। उसके बाद आप अगर कंपनीज एक्ट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से पहले क्या लिया हो, अप्रूवल लिया हो, है ना। अब उसके लिए आपने अपने यहां मीटिंग कराई हो, मीटिंग में लोग पर्सनली भी प्रेजेंट हुए होंगे, प्रॉक्सी के थ्रू भी प्रेजेंट हुए होंगे, है ना, जैसे भी हुए हो, लेकिन 50% मतलब ओआर पास करा के आपको आना पड़ेगा। क्या पास करा के आना पड़ेगा, ओआर आपको पास करा के आना पड़ेगा। बाकी अगर कंपनी में मेंबर 7 से कम हो गए तो फिर आपको प्राइवेट कंपनी के तौर पे हम रजिस्टर करेंगे, पब्लिक कंपनी के तौर पे आप रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मैं कुछ बच्चों का चार्ट छूट गया था तो जल्दी से चार्ट उतार लो। ठीक है, उतार लिया चार्ट।
ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी एज ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब सोसाइटी, कोई सोसाइटी है उसको हम अपने यहां बना रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और वे उसको सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सेक्शन 8 कंपनी, मतलब सोसाइटी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं सोसाइटी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। तो वो कैसे हो सकता है वो देखो, ठीक है। और सोसाइटी को जब भी सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे तो वो हमेशा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी। ठीक है, पहले सोसाइटी को फिर आगे ट्रस्ट को देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो सोसाइटी की तरफ से क्या लगना चाहिए? एप्लीकेशन लगना चाहिए आरओसी को। उस एप्लीकेशन के साथ कुछ अटैचमेंट है, कुछ क्या एग्जैक्टली? अटैचमेंट। तो क्या क्या अटैचमेंट है वो देखो। तो 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है ना यहां पे, तो ये सारे अटैचमेंट है। क्या क्या है? एक तो लिस्ट आप अटैच कीजिए जिसमें आपसे जुड़े हुए सारे लोगों का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन हो, है ना, और जो आपके मेंबर, ऑल पर्सन का मतलब मेंबर्स, मेंबर्स और मेंबर्स जो है नॉट बीइंग मोर देन 6 क्लियर डेज बिफोर द डेट ऑफ सीकिंग रजिस्ट्रेशन, है ना। ठीक है, मतलब ताजे ताजे मेंबर हो। ताजे ताजे मेंबर का मतलब, मतलब बहुत हुआ तो कितने दिन पुराने वो, मतलब अगर हम लिस्ट दे रहे हैं तो लिस्ट दे रहे हैं तो 6 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, बहुत हुआ तो 6 दिन, मतलब पिछले 6 दिन का एकदम ताजा ताजा रिपोर्ट दीजिए कि आपके यहां कौन कौन लोग मेंबर हैं, और जो मेंबर हैं उसका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन बताइए, मतलब पिछले 6 दिन के अंदर वो सब मेंबर होने चाहिए आपके। उसके बाद अ लिस्ट, एक और लिस्ट जोड़िए जिसमें आप फर्स्ट डायरेक्टर्स जो आपके कंपनी बनते हैं, चूंकि ये सेक्शन 8 कंपनी बन जाएगी तो सेक्शन 8 कंपनी बनते ही जो फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे उसका पूरा नाम, वाम, डिन नंबर, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी, मतलब पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, रेजिडेंशियल एड्रेस, वो और किसी कंपनी में इंटरेस्टेड तो नहीं है, क्योंकि अब कंपनीज एक्ट में जब वो आएंगे तो वहां पे एक आता है कि अगर आप किसी और कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो उसका डिटेल देना पड़ता है। फिर एक और लिस्ट जोड़िए जिसमें सोसाइटी के जो अभी गवर्निंग बॉडी के अंदर लोग हैं, जो चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा, उस सबका नाम बताइए। एक आप सोसाइटी बने उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें दीजिए। उसके बाद आपके जितने भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाके दीजिए कि उनका अब कोई भी पैसा आपके खिलाफ बचता नहीं है। उसके बाद एक रिटन कंसेंट चाहिए आपके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की तरफ से, जो इस बात के लिए तैयार हो कि अब हम सोसाइटी को कंपनीज एक्ट में बदलने के लिए तैयार हैं, सेक्शन 8 कंपनी में बदलने के लिए तैयार हैं। और उस रेजोल्यूशन में वो जो आप मीटिंग बुलाएंगे अपने सोसाइटी का, वहां 2 तरीके का रेजोल्यूशन पास होगा। एक तो पहला रेजोल्यूशन इस बात का कि हाँ हम सेक्शन 8 कंपनी बनेंगे, और दूसरा कि गारंटीड अमाउंट क्या होगा। तो 1 2 लिख देना यहां पे, पहला इस मुद्दे पर रेजोल्यूशन पास कराइए कि हाँ हम सेक्शन 8 कंपनी बनेंगे, दूसरा इस मुद्दे पर आप रेजोल्यूशन पास कीजिए कि गारंटीड अमाउंट क्या होगा। उसके बाद एक अंडरटेकिंग प्रपोज डायरेक्टर की तरफ से कि इंडियन स्टैम्प एक्ट के जितने भी प्रोविजन होंगे, मतलब आप प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। और उसके बाद सोसाइटी का अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न है तो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको जमा करना पड़ेगा। अब आइए अगला, अगले में हम सोसाइटी को सेक्शन 8 कंपनी में नहीं बदल रहे, किसको बदल रहे हैं? ट्रस्ट को बदल रहे हैं। तो यहां पे ट्रस्ट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। प्रोसीजर पूरा सेम है, बस सोसाइटी की जगह पे क्या लिखते रहना, ट्रस्ट 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 ये सब लिखते रहना। यहां पे भी जो सेक्शन 8 कंपनी बनेगी वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी। फिर वही एक लिस्ट दीजिए जिसमें ट्रस्टी का नाम हो, और ट्रस्टी का जो लिस्ट देंगे वो बहुत हो तो 6 दिन पुराना हो, 6 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब ये जितने भी लोग आप नाम लिखेंगे ये पिछले 6 दिन के अंदर आपके ट्रस्टी होने चाहिए। उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर का एक लिस्ट दीजिए, उसका डिन नंबर, पासपोर्ट नंबर जो मैंने बताया था वहां पे। एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट दीजिए, उसकी सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। अपने सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाके दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स से 2 तरीके का रेजोल्यूशन पास कराइए कि ट्रस्ट अगर सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अमाउंट ऑफ गारंटी जो होगा सेक्शन 8 कंपनी बनते ही। बाकी जो प्रपोज डायरेक्टर्स हैं वो एक डिक्लेरेशन देंगे कि वो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, और ट्रस्ट का लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको देना पड़ेगा। तो सेम ही था, है ना। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद देखते हैं
किस चैप्टर में एडिशन अमेंडमेंट है। निधि एंड प्रोड्यूसर कंपनी ऑल न्यू चैप्टर में करा चुका हूं। एलएलपी का इंट्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी ऑल न्यू चैप्टर में करा चुका हूं। उसके बाद इन सारे चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं। स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी ऑल न्यू फुल चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं। इस बार स्ट्राइकिंग ऑफ एंड रिस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी वो भी मैं पूरा पढ़ा चुका हूं। वाइंडिंग अप ऑल न्यू चैप्टर जनवरी फरवरी में मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद ये बाकी तो ये सब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनसीएलटी ये तो एवाई की एडवांस नॉलेज है सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए ठीक है। तो एसबीईसी फर्स्ट में तो हो गया, एसबीईसी फर्स्ट में हो गया। एक एसबीईसी सेकंड में आइए आप। अब जल्दी से एसबीईसी सेकंड निकालिए, एसबीईसी सेकंड निकालिए जल्दी से, एसबीईसी सेकंड निकालिए। अगर एसबीसी सेकंड आपने ओपन कर लिया है तो मुझे जल्दी बताओ। एसबीईसी सेकंड वॉल्यूम सेकंड, एसबीईसी वॉल्यूम सेकंड ठीक है। जल्दी से बताइए कितने बच्चे एसबीसी वॉल्यूम सेकंड ओपन कर चुके हैं। अब इसका चेकलिस्ट देख लेते हैं एक बार, एसबीसी वॉल्यूम सेकंड का। अब देखो एसबीसी वॉल्यूम सेकंड में ये पहला जो चैप्टर है ना, ये मतलब पहला दूसरा, पहला तो है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। दूसरा है वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस, इसमें एडिशन अमेंडमेंट है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये छूट गया था तो इसमें थोड़ा सा एडिशन अमेंडमेंट है। एक बच्ची ने मुझे कल बताया था तो मैंने आपको बताया, तो फिर मुझे याद आया कि इसमें थोड़ा सा एडिशन अमेंडमेंट है। आइए अब देखते हैं वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन में क्या है। इस चैप्टर पे आइए जल्दी से, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस पार्ट टू। आगे इस चैप्टर पे चैप्टर पे अगर आगे तो बताइए, फिर मैं पढ़ाता हूं क्या चेंज है इसमें। एक बार लिखिए एसबीसी वॉल्यूम टू, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इस चैप्टर पे आ गए। यस सर, यस सर, यस सर, सारे बच्चों की तरफ से आ रहा है। चलिए तो फिर मैं बताता हूँ यहाँ कहाँ चेंज है। आप वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस पार्ट टू वाले में जब आएंगे तो यहाँ पे एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, ये देखो ये है ना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। और अगर आपको याद हो तो मैंने एमएसएमई का अब नया डेफिनेशन आ गया है, क्या आ गया एग्जैक्टली, नया डेफिनेशन आ गया है। तो इसको आप चेंज कर लेना, नए वाले बुक में भी नहीं होगा, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आईडीआरए पढ़ाया, उसके अंदर एमएसएमई पढ़ाया है। और उस एमएसएमई के अंदर अगर आपको मालूम हो, 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई के क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बदल गया है। आपकी बुक में वहां पर ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए अलग, ये सब लिखा हुआ होगा। उस सब को हटा के आप जानते हैं ना, बस यही चलता है कि चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे आप सर्विस में हो, सबके लिए अब एक ही क्राइटेरिया है। जो माइक्रो आप तब तक माने जाते हैं जब तक आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी किसके लिए लिखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इक्विपमेंट वर्ड किसके लिए लिखा जाता है, सर्विस इंडस्ट्री वालों के लिए, है ना। 1 करोड़ तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक का एनुअल टर्नओवर है तो आप माइक्रो माने जाते हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं आईडीआरए में। बाकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट अगर 10 करोड़ तक है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, लेकिन कहां तक, 10 करोड़ तक, तो यू आर स्मॉल। और एनुअल टर्नओवर आपका क्या एग्जैक्टली, 50 करोड़ तक, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी
10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ तक है, और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ या 250 करोड़ ढाई मतलब 50 करोड़ से 250 करोड़ तक है, तो फिर आप उस केस में मीडियम है। बाकी सबके बीच में एंड लगा हुआ है, इसका मतलब माइक्रो स्मॉल या मीडियम होने के लिए दोनों कंडीशन हमेशा सेटिस्फाइड होने चाहिए, दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड होने चाहिए, है ना। बाकी इसका इसके ऊपर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मैंने कराया था अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये सब कुछ तो मैं पढ़ा चुका हूं, बस इसको आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, आईडीआरए से उठा के आप ले आएंगे। ये आईडीआरए के अंदर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर मैंने ये नया रिवाइज्ड वाला डाला हुआ है, तो आपके बुक में आ रहा होगा इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए अलग, सर्विस वालों के लिए अलग, तो अब इसको आप चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और चेंज करके देखो क्या क्या डिलीट मारना है, इसके बाद सीधा स्टेज टू अप्लाई फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। मतलब इसका मतलब सिर्फ अब एक यही बॉक्स यहां पर रहेगा, तो ये बॉक्स आप लिख लेंगे या मैं अभी अभी आप लिखना चाहते हैं, अगर अभी आप लिखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा रुकूंगा फिर। बाकी आप लोग को मालूम ही होगा ये इसमें कैसे मैंने पढ़ाया था एसबी आईडीआरए में, माइक्रो से स्मॉल कितना गुना एग्जैक्टली 10 गुना है, और माइक्रो से मीडियम बेसिकली 50 गुना है, बस ऐसे ही याद रखना है। तो इसका मतलब माइक्रो को याद कर लेना है, स्मॉल और मीडियम तो अपने आप ही याद हो जाएगा। माइक्रो का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो स्मॉल का देखो 10 करोड़ है, 10 गुना। माइक्रो का टर्नओवर 5 करोड़ है तो स्मॉल का टर्नओवर 50 करोड़ है, देखो 10 गुना है। माइक्रो का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो मीडियम का 50 है तो इसका मतलब 50 गुना है। माइक्रो का टर्नओवर 5 करोड़ है तो मीडियम का 250 करोड़ है, इसका मतलब 50 गुना है, ठीक है। तो चलो इसको आप चेंज कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं एसबीसी वॉल्यूम सेकेंड में और क्या क्या चेंज है। IDRA एंड MSME ऑल न्यू चैप्टर में करा चुका हूं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑल न्यू चैप्टर में करा चुका हूं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑल न्यू चैप्टर में करा चुका हूं, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स कंपनी लॉ में ही मैंने करा दिया था, ऑल न्यू चैप्टर में करा चुका हूं। उसके बाद IPR के अंदर ऑल न्यू चैप्टर, अभी तुरंत IPR कराया है, कल ही कराया है। उसके बाद लेबर लॉज जो है वो अब हमारा करना बाकी रह गया है, तो लेबर लॉज में हम फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ट्रेड यूनियन, मैटरनिटी बेनिफिट, इन सब में नए चैप्टर्स हमें करने हैं, पूरा नया नया करना है, तो 2 दिन में ये खत्म करा दूंगा मैं, है ना, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल लॉज में ऑल न्यू चैप्टर था जो मैंने करा दिया, तो इसका मतलब सिर्फ लेबर लॉ बचा। उसके बाद सारा का सारा अमेंडमेंट एडिशन मॉड्यूल फर्स्ट का कंप्लीट है, JIGL में कोई अमेंडमेंट एडिशन एज सच नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू करें, तो SBEC2 का चेकलिस्ट एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले आता था वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस फर्स्ट, ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं था। वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस 2 में एक कल थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ था, अगर आपको याद हो तो बता दो, तो क्या अमेंडमेंट था कल कराया था मैंने, इसमें नहीं करवाया था एमएसएमई का नया डेफिनेशन ऐड करवाया था, याद है ना, इस चैप्टर के अंदर वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस 2 में था ना, वहां पे एडिशन अमेंडमेंट था, वहां पे इस चैप्टर के अंदर एक जगह आता है कि एमएसएमई, तो एमएसएमई का नया डेफिनेशन आ गया ना, आईडीआरए के अंदर जो डेफिनेशन है वही एमएसएमई के अंदर है, कल D2H में तो कराया था मैंने ये। उसके बाद आईडीआरए एमएसएमई एक्ट है ना, ये तो पूरा नया चैप्टर फिर से करवा ही दिया मैंने। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑल न्यू फुल चैप्टर मैंने करवा दिया, इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑल न्यू फुल चैप्टर मैंने करा दिया, रजिस्टर रिकॉर्ड्स कंपनी लॉ में मैंने पूरा जनवरी में ही करा दिया, जनवरी फरवरी में करवा दिया था ये, है ना। उसके बाद ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR 1-2 दिन पहले ही कराया मैंने, ऑल न्यू फुल चैप्टर। अब आता है लेबर लॉज वाला ना, तो लेबर लॉज में आते हैं सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट एडिशन डिलीशन, है ना, तो चलिए देखते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में क्या है। चलो पेज उल्टा उल्टा के चेक करते रहना, बाकी मुझे भी याद है कि क्या क्या इसमें एडिशन हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें जितनी इसमें आ रही हैं ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। इस बीच में अगर कुछ वीडियो में ज्यादा है, जैसे हो सकता है कि वीडियो में मैंने इस बीच में ही कुछ नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए होंगे, तो वो सब अब कोर्स में नहीं है,
तो उसको बच्चा चाहे तो अवॉइड कर सकता है। यही गोल्डन वर्ड सब सुनना चाहता था एक्चुअली, है ना, कि मेरे मुंह से ये निकले कि जो ज्यादा कंटेंट वीडियो में दिख रहा है वो नहीं पढ़ना है, है ना। लेकिन फिर भी फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड, अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं एग्जाम के टाइम में, अगर हल्का सा स्पीड बढ़ा के, मैंने एक बच्ची को अभी देखा भी यहां पे कि वो गूगल ड्राइव बहुत स्पीड करके, वो क्या बोले, कितना स्पीड, 1.2 1.4, उसमें मैं ऐसे बोलता हुआ नजर आता हूं, एक्युमुलेशन ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीव्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, मिस्टर ऑफ इंस्पेक्टर, ऐसे स्पीड मेरा बोली करके बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसे अगर उन्होंने एडिशनल कंटेंट का थोड़ा रिवीजन कर भी लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बाकी मर्जी तुम्हारी है, है ना, कि तुम जो एडिशनल कंटेंट है, मतलब जो बुक में है अब वही कोर्स है, बुक के अलावा अगर वीडियो में कुछ दिखता है तो इसका मतलब आप उसको छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें थी, बस ये मुझे पढ़ाना, मुझे लगता है पेनल्टीज, तो जितने भी पुराने बच्चे हैं जरा बुक से मैच करके बताओ कि पेनल्टीज शायद वीडियो में नहीं होगा, है ना, बस मुझे ये कंफर्म करते जाना कि क्या वीडियो में नहीं था, जो एडिशनल था उसको तो आप छोड़ सकते हैं, जो एडिशनल है, जो एडिशनल मैंने वीडियो में पढ़ाया आप उसको छोड़ सकते हैं, उसको रिवाइज ना करें, उसको छोड़ के चले जाएं एग्जाम में, चलेगा, बशर्ते मैंने बोला फॉर बीइंग ऑन द सेफ साइड, नॉलेज ज़्यादा मिले इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने पूरा साल उसको पढ़ा है, याद किया है, तो लास्ट में अगर हल्का सा एक बार उसको ओवरव्यू करके जाएं तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्या पता ICSI कुछ भी पूछ दे, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने पहली बार ही पढ़ना स्टार्ट किया लेबर लॉ, उसको लग रहा है कि सर उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है वीडियो में, तो वो छोड़ सकता है। तो ये पेनल्टीज वाली जो बात है ये मुझे लग रही है एडिशनल है, एडिशनल का मतलब ये मुझे पढ़ाना है, तो मुझे कंफर्म करो बस यही पढ़ाना है ना, ठीक है। चलिए जी, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जरा देखिए पेनल्टीज, सबसे पहले इधर लिखा हुआ ऑफेंस, इधर क्या लिखा हुआ है पेनल्टीज। अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट का या फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बनाए गए रूल्स का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो उस केस में 2 साल तक का जेल हो सकता है, 1,00,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका मालूम चला पहली बार आप पकड़ाए और पहली बार आपके ऊपर ये इंप्रिजनमेंट या ये पेनल्टी लगा, लेकिन आप उसके बाद फिर भी उस कॉन्ट्रावेंशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आप एक बार सजा पाने के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं, तो उस केस में जब तक कि आपका कॉन्ट्रावेंशन खत्म ना हो जाए तब तक 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगता रहेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर फोर जो किससे जुड़ता है, सेफ्टी और डेंजरस ऑपरेशन। अब देखिए ICSI ने पेनल्टी दे दिया है इसके ऊपर, लेकिन जो सेफ्टी और डेंजरस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ कंटेंट था वो हटा लिया। अगर वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें फैक्ट्रीज एक्ट में मैं थोड़ा हजार्डियस सब्सटेंस इन सब के बारे में भी पढ़ा रहा हूं, जो कि तुम अब उसको एडिशनल कंटेंट समझ के छोड़ने वाले हो, नहीं पढ़ोगे अब उसको, बुक में भी नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ पेनल्टी जरूर दिया हुआ। देखो तो पेनल्टी क्या है भाई, तो सेफ्टी और डेंजरस ऑपरेशन से जुड़ा हुआ, कम से कम अगर डेथ हो गया, मतलब उस डेंजरस ऑपरेशन से क्या हो गया, डेथ, किसी का भी डेथ हो गया, तो 25,000 रुपए का तो कम से कम जुर्माना लगेगा ही, और अगर सीरियस इंजरी हुई है तो 5,000 रुपए का तो कम से कम जुर्माना लगेगा ही। उसके बाद फिर वही अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ना, उसका फिर सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन, मतलब दोबारा कॉन्ट्रावेंशन किया है ना, दोबारा कॉन्ट्रावेंशन किया तो 3 साल तक का जेल, 10,000 रुपए, कम से कम 10,000 रुपए का तो जुर्माना, जो 2,00,000 तक पहुंच सकता है। अब मालूम होगा फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर एक अथॉरिटी, उसका नाम है इंस्पेक्टर, है ना, उसको फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। उसको काम करने में अगर ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, वो एक सरकारी ऑफिसर है, सरकारी ऑफिसर को काम करने में ऑब्स्ट्रक्ट करोगे तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। उसके बाद आपको मालूम होगा कि बहुत बार फैक्ट्रीज के अंदर लोग चेकिंग पर आते हैं और सैंपल उठा के ले जाते हैं, सैंपल का मतलब कि हमें यहां लग रहा है कि यहां पे कुछ हजार्डस सब्सटेंस है, क्या है, हजार्डस सब्सटेंस है, और उस सैंपल का एनालिसिस जो आया आपने झूठा एनालिसिस दिखाया, क्या दिखाया, मतलब सच में लेबोरेटरी से आया था कि वो सच में वो हजार्डस सब्सटेंस है, लेकिन तुम दुनिया को क्या बता रहे हो कि वो हजार्डस नहीं है, तो उस केस में 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 10,000 रुपए तक का फाइन हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 41B, सेक्शन 41C, सेक्शन 41H जो किससे जुड़ा हुआ था, कि जब भी आप कोई भी हजार्डस सब्सटेंस में डील करेंगे, आप देखो वो वाला कंटेंट हटा लिया, वो बोला लेकिन मेरे वीडियो में है, वो सब जो हजार्डस सब्सटेंस वाला है ये सब मेरे वीडियो में है,
तो 41B, 41C, 41H इस सब के अंदर लिखा हुआ था कि कभी भी आप हजार्डस सब्सटेंस में डील करोगे तो आप उसकी सारी जानकारी इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को दोगे। अगर आपने वीडियो में देखा होगा, वो अलग बात है, वो एडिशनल कंटेंट है, वो नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ पेनल्टी तो है ही। पेनल्टी बहुत ज्यादा है, देखिए 7 साल तक की जेल हो सकती है, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और फिर भी अगर कंटिन्यू करते रह गए तो 5,000 रुपया पर डे के हिसाब से क्या हो सकता है आपका पेनल्टी लगेगा। उसके बाद अगर ये कॉन्ट्रावेंशन 1 साल से, मतलब 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो फिर इंप्रिजनमेंट 7 साल नहीं, कितने साल, 10 साल। अब मैंने बोला था ये 41B, 41C, 41H, ये 41 सीरीज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डेंजरस और हजार्डियस सब्सटेंसेस की हैंडलिंग होती है। अब उसमें अभी पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट पढ़ाया था मैंने, है ना, अगर आप लोगों को मालूम हो SBC के अंदर, तो है ना। हाँ, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस में आपने देखा था भोपाल गैस ट्रेजिडी बताया था, तो वो हजार्डस सब्सटेंस की वजह से पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। तो इसलिए इस केस में देखो 7 साल तक का जेल बोल दिया है। अब बोला कि ऐसी गलती अगर 1 साल से ज्यादा कंटिन्यू हो गया, 1 साल तक कंटिन्यू रही, तो फिर 10 साल तक का जेल है, और मेरा मानना होना भी चाहिए क्योंकि हजार्डस चीजें बहुत खराब होती हैं। चलिए अब आपको क्या करना है सो सुनो, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या करना है सो सुनिए। अब आप लोग, इंपॉर्टेंट ये है कि जो पेनल्टी मैंने ऐड की वो तो आप पढ़ ही लोगे तुम, वो तो इस वीडियो में जा रहा है, वो तो इस कोर्स का पार्ट माना जाएगा क्योंकि नोट्स में है। अब नोट्स में जो भी है वो आपको पढ़ना है, जो नोट्स में नहीं है आप उसको छोड़ सकते हैं, या आपके ऑप्शन पे। ये आपको एकदम जरूरी जरूरी है पढ़ना, ये तो जरूर पढ़ के जाना है। ऐसे ही एडवांस और नॉलेज में है, मुझे नहीं पढ़ाना है, पर एडवांस और नॉलेज वाले को मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चा हल्के में ले लेता है, उसको लगता है सर ने मेन नोट्स में नहीं डाला है, साइड में डाल दिया है, तो ये बेकार हो गई। बेकार नहीं है, लिस्ट है ये। अब लिस्ट में पढ़ाऊं तो सिर्फ इंग्लिश हिंदी करूंगा, क्योंकि इसका सारा कंटेंट तो बुक के अंदर होता ही है, चैप्टर के अंदर होता ही है, तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, लेकिन इस लिस्ट को तो याद करना पड़ेगा ना कि कौन सा फॉर्म किस चीज के लिए है, कब क्या है। तो ये चेकलिस्ट आपको पूरा याद करके एग्जाम में जाना है ना। अब कोशिश ये मत कर लेना कि ये चेकलिस्ट को चीट बना के ले जाएं, है ना, इसको याद करना पड़ेगा। अब इसको याद करने का तरीका बताता हूं कैसे याद करोगे। इतने सारे फॉर्म नंबर हैं, अब तुम बोलो सर इतने सारे फॉर्म नंबर, हम तो परेशान हो जाएंगे सर, है ना, और हर चैप्टर में चेकलिस्ट है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर का एक चेकलिस्ट रात में याद करके सो जाना, मतलब डेली एक चैप्टर का एक चेकलिस्ट, हम डेली रात में सोते वक्त जैसे दूध पीते हैं ना, तो दूध पीते पीते हम चेकलिस्ट कर लेंगे। डेली का आदत बनाओ, एक ही दिन में सारा करना चाहोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो डेली आदत बना लेंगे कि हम डेली रात में सोते वक्त फैक्ट्रीज, मतलब लेबर लॉ के क्या करेंगे, हम एक चैप्टर का चेकलिस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा है तो है, वो तो करना ही पड़ेगा। दूसरा बताओ कौन सा चैप्टर है भैया, मिनिमम वेजेस एक्ट, जरा मैच करते जाना। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है सब वीडियो में है। हाँ, हो सकता है फिर वही बात, वीडियो में ज्यादा हो, अगर वीडियो में ज्यादा है तो आप ज्यादा वाला पार्ट छोड़ सकते हैं, ये आपके विशिष्ट के ऊपर है। बाकी मैं तो बोलूंगा कि उसको ही पढ़ना चाहिए, मैं टीचर हूं, मैं तो चाहूंगा तुम ज्यादा ज्यादा पढ़ो, दुनिया भर का नॉलेज अपने पास रखो, है ना। अब बाकी बच्चे कहें सर हमें एग्जाम भी देना है, लाइफ में बहुत कुछ है, एग्जाम देके CS भी बनना है, शादी भी करना है, जिंदगी भी आगे बढ़ाना है, फैमिली भी आगे बढ़ाना है ना, तो सर हम ज्यादा ज्यादा पढ़ते रहेंगे तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि दिमाग को तो खाली रखना है दूसरी चीजों के लिए भी, फेसबुक व्हाट्सएप भी तो चलाना है, तो सर हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना कोर्स में चुपचाप इतना ही पढ़ाइए। तो भाई वो देख लो, ज्यादा कंटेंट वाला आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन जो मैं अब पढ़ा रहा हूं वो तो कोर्स में, मतलब नोट्स में जितनी चीजें प्रिंटेड है वो कोर्स में। चलिए मुझे लगता है इसमें भी शायद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ही ऐड हुआ है, एक बार देखो यहां तक पढ़ा दिया था, देखो तो अथॉरिटी एंड क्लेम्स पढ़ाया हुआ ना, तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज इसमें फिर यहां पर आ जाओ। पहले जानते हो ना मिनिमम वेजेस एक्ट क्या है, भूल तो नहीं गए तुम लोग, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या होता है कि कम से कम इतना तो वेजेस देना ही पड़ता है, इससे कम हम वेजेस नहीं दे सकते। चलिए जी, अगर आपने जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस सरकार ने बताया है उससे कम दिया, तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बताइए, हद नहीं तो मजाक उड़ाने वाला बात हो गया लॉ का, नहीं है ना। लोग तो क्या करेंगे, इतना पैसा रख के फिर करेंगे कॉन्ट्रावेंशन। अब एक्चुअली एक्ट कब का सो देख रहे हो, 1948 का 500 रुपया आज कम से कम मुझे लगता है 50,000 तो होगा ही, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से।
तो इस एक्ट को मुझे लगता है अमेंडमेंट करने की जरूरत है। नहीं, उसके बाद ये तो था कि चलो जो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है तुमने उसके साथ गड़बड़ी की। दूसरा ये और भी जो प्रोविजंस हैं, और भी जो प्रोविजंस हैं, जैसे नॉर्मल वर्किंग डे के कितने आवर्स होंगे, उस आवर्स से ज्यादा काम करेगा तो डबल देना पड़ता है, ओवर टाइम डबल देना पड़ता है, ये सब उसमें भी गलती की है तो फिर इंप्रिजनमेंट वही है, 6 महीने तक की जेल और 500 रुपए तक का जुर्माना। तो बात बराबर ही है, कोई अलग से तो कुछ था नहीं। फिर वही बात अब आ गया क्या एग्जैक्टली, चेकलिस्ट। फिर मैं बोल रहा हूँ चेकलिस्ट करके ही जाना, छोड़ना मत, याद कर लेना, इसको दूध में घोल के पी लेना, इसको दूध में घोल के पी लेना। पी लोगे ना आप? सच में नहीं, नहीं तो मालूम चल के दिन पीते हुए पकड़े गए। कहा से नितेश सर ने बोला था, देखिए वीडियो में एविडेंस भी है। दूध में घोल के पी लेना मतलब डेली रात में सोते वक्त जब हम दूध पीते हैं, ये आदत है कि नहीं तुम लोगों में? कहा सर हम व्हाट्सअप चलाते हैं रात में सोते वक्त, है ना? तो उस समय आपको क्या करना है, ये चेकलिस्ट डेली एक चैप्टर का कर लेना। अच्छा बताओ लेबर लॉ में कितने चैप्टर हैं? लगभग 12, 13 या 15 मान लो, तो 12, 13, 15 है, तो 15 दिन में तो हर चैप्टर का हो जाएगा। फिर अगले 15 दिन में रिवीजन भी हो जाएगा, फिर अगले 15 दिन में तीसरे बार रिवीजन हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही है कि अगस्त अटेम्प्ट या जिसका अटेम्प्ट नजदीक है उनके लिए उतना दिन बाकी है या नहीं। दिसंबर वाला तो बेचारा अभी हनीमून पीरियड पर चल रहा है, एकदम खुश है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, लेकिन सीएस में जून दिसंबर बहुत जल्दी जल्दी आता है। जून गया नहीं कि दिसंबर आ गया, दिसंबर गया नहीं कि जून आ गया। चलिए अगला, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। अब तनिष्क पूछ रहा है कि सर चेकलिस्ट को याद करने का कोई डेमो दे दो। चेकलिस्ट को याद करने का डेमो कैसे है? तो चलो मैं बताता हूं डेमो कैसे है। सबसे पहले याद हमेशा लिख लिख के करना चाहिए, है ना? अब जैसे कैसे याद करते हैं, जैसे फॉर्म नंबर 1, बेसिकली एक बात याद रखना, इसमें याद जो मेन मेन करना तुम लोग को ये सब करना है, ये भी मैं बता देता हूं। चलो ठीक है, ठीक पूछा। एक तो फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे ये ऑब्जेक्टिव है ना, और ये कब तक मेंटेन कर लेना है, बस ये याद कर लेना। ये जो रूल उल लिखा हुआ ये याद मत करना, तुम छोड़ भी तो भी चलेगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला कि रूल नंबर पूछेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो फॉर्म नंबर और फॉर्म का ऑब्जेक्टिव और फॉर्म कब तक मेंटेन करना है, फॉर्म कब तक मेंटेन करना है या कब तक फाइल करना है, इतना कर लेना बस। ठीक है तनिष्क, समझ में आ गया जो मैं बोल रहा हूं आपको? सिर्फ क्या क्या याद करना जल्दी बताओ। फॉर्म नंबर याद कर लेना, फॉर्म नंबर किस चीज के लिए, जैसे कोई फॉर्म नंबर किसी रजिस्टर का फॉर्मेट होगा तो वो रजिस्टर का फॉर्म, उस रजिस्टर का नाम याद कर लेना, और रजिस्टर कितने तारीख तक मेंटेन कर लेना है ना, या अगर वो कोई फॉर्म फाइलिंग का था तो किसको फाइल करना और कितने दिन तक फाइल करना है, इतना याद कर लेना। ये जो लिखता ना ये रूल नंबर क्या है, ये सब आप छोड़ दो, क्योंकि इतना इतना टफ थोड़ी पूछेगा वो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो रूल नंबर सब आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब तुम देखो ना, जैसे यहां पर है फॉर्म नंबर 3, क्या चीज के लिए है, एनुअल रिटर्न। ये कब तक बन जाना चाहिए, 1 फरवरी एवरी ईयर तक बन जाना चाहिए, बस इतना ही याद रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये कौन से रूल में लिखा हुआ है, अब ये सब आपको याद करने की उतनी जरूरत नहीं है, है ना, बेकार में टाइम खराब होगा। ठीक है, चलिए जी, अब हमारे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। बताओ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट किस चीज के लिए था, याद है? इलीगल डिडक्शंस लोग कर लेते थे पहले के जमाने में वेजेस देते वक्त, उस इलीगल डिडक्शन से बचाने के लिए ये एक्ट था। इसमें भी अगर देखा जाए तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, बस ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं, है ना, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अब ICSI ने ऑफेंसेस एंड पेनल्टी लिखते वक्त इस बात का ध्यान नहीं दिया कि जो उन्होंने कंटेंट डाला उसी से जुड़ा हुआ उनको पेनल्टी लिखना चाहिए ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ऐसे ही क्या होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं मेरे पास कि सर हमने देखा है किसी वेबसाइट पर आया है कि RBI ने ये चेंज कर दिया। अरे भाई RBI ने चेंज कर दिया पर तुम्हारे बुक में पहले होना चाहिए, उसके बाद अमेंडमेंट करोगे ना। भारत में बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, क्या सब तुम्हारे कोर्स में है? तो मैं तो वो अमेंडमेंट कराऊंगा जिसका जनरल रूल मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसका अमेंडमेंट कराऊंगा। लेकिन जो जनरल रूल जिसका मैंने पढ़ाया ही नहीं है उसका अमेंडमेंट मैं कैसे कराऊंगा? आप देखो ICSI ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या किया, पूरे एक्ट का उठा के लिख दिया। लेकिन वही बात है, अब देखो एक्ट में पढ़ाता कितना है, वो तो मैं ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं, वो इतना भी नहीं पढ़ाता है। बहुत बार देखोगे तो ICSI मॉड्यूल के अंदर जाओगे तो, पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं इतना चीज तो पढ़ाना चाहिए जिससे कि बच्चों को कम से कम एक आइडिया आए कि चैप्टर है क्या। तो देखिए ऑफेंसेस पेनल्टीज में भी तुमको याद करना पड़ जाएगा। आप देखिए इसमें से ऑन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5, अब सेक्शन 5 क्या है मालूम ही नहीं है, सेक्शन 5 क्या है मालूम ही नहीं है। उसमें भी लिखा है एक्सेप्ट सबसेक्शन
फोर मतलब सेक्शन फाइव का सबसेक्शन फोर छोड़ के बाकी, अब सबसेक्शन फाइव ही नहीं मालूम है और उसका सबसेक्शन फोर कौन छोड़ने के लिए बैठेगा पहले ये बता दो। इससे अच्छा इनको क्या लिख देना चाहिए, ऐसे लिख देना चाहिए था, ऐसे ऐसे लिख देने से समझ में आता अच्छा ये काम करेंगे तो ये पेनल्टी है, लेकिन ये मालूम ही नहीं है कि कौन सेक्शन में, फिर सेक्शन सेवन, फिर सेक्शन एट, सेक्शन एट का भी सब सेक्शन एट छोड़ देना, सब सेक्शन एस एस लिख देना समझना, ये तो मैंने सेक्शन लिख दिया है, आईसीएसआई मॉडल में जाओ तो एस एस लिख के छोड़े हुआ वो, अब बहुत बच्चा एस का मतलब पता नहीं क्या समझे, तब जाके मैंने यहां पर क्या लिखा सेक्शन लिखा। तो सेक्शन फाइव, सेक्शन सेवन, सेक्शन एट, सेक्शन नाइन, सेक्शन टेन, सेक्शन टेन का भी कौन छोड़ दो, सेक्शन इलेवन एंड सेक्शन थर्टीन। अब आईसीएसआई को एकदम किसी को फेल करवाना होगा ना तब यही सब क्वेश्चन पूछेगा वो, पर जनरली मुझे लगता है ये सब पूछना चाहिए। बाकी देख लीजिए, कम से कम 1000 रुपए तक का फाइन लगेगा, जो 5000 रुपए तक जा सकता है, वही गलती दोबारा करते हुए पकड़ाए तो 5000 रुपए से 10000 रुपए तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। बाकी इन सारे सेक्शन के अंदर कहीं फंसे तो फिर 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है ऑन ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अब ये यहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है ये बॉक्स में शायद आया नहीं है ना, तो इसको आप हटा दो, इसको आप हटा दो, ऐसा हटा दो, ठीक है। मैं इसको ये करता चल रहा हूं, ठीक है, ये लगता आधा ही छूट गया था। कर रहे हो तुम लोग ये बुक में टिक कर रहे हो ये सब, ठीक है। उसके बाद फॉर फेलिंग टू, अब यहां से मुझे लगता है समझ में आएगा, ऊपर वाला तो समझ में आने से रहा क्योंकि उसने सेक्शन में बात कर लिया और सारे सेक्शन तो याद नहीं। अरे सारे सेक्शन हम कंपनी लॉ में याद करें तो समझ में आता है, जिंदगी भर काम करना है। सिक्योरिटी लॉ में सारे सेक्शन याद करें तो समझ में आता है, लेकिन लेबर लॉ में सारे सेक्शन है ना, या लेबर लॉ में तब, या पूरा लेबर लॉ पढ़ाइए, फिर जम के पढ़ाइए, एक अलग से बुक बनाइए लेबर लॉ का, एक अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए लेबर लॉ, है ना, इंटरेस्टिंग है ना। लेबर लॉ ऑडिट भी आने वाला है, लोग सीएस बोलते हैं कि हमें लेबर लॉ ऑडिट मिलना चाहिए, तो आप एक अलग से बनाओ ना, ये एक चैप्टर का नाम है बस, कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉ, और उसके अंदर आपने 15-16 एक्ट डाल दिया उठा के, बताइए मजाक ही चल रहा है क्या चल रहा है। एसबीसी में ऐसे भी बहुत मजाक चल रहा है, एसबीसी में अगर आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही कोर्स है, नहीं बहुत ज्यादा अनलिमिटेड और जिसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। हाँ अनरिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका सीएस से कोई खास मतलब नहीं है। अब देखिए जीएसटी अलग से पढ़ाता है लेकिन फिर भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डाले हुआ एसबीसी में अगर आप देखेंगे तो। चलिए अब इसमें क्या क्या है, आपने रजिस्टर और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया, ठीक है, या आपसे इंफॉर्मेशन मांगा गया और आप इंफॉर्मेशन देने में नेग्लिजेंसी दिखा रहे हैं, या आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया, जहां जहां मैंने बोल्ड किया ना उसको देखते जाना, तुम लोग भी बोल्ड बोल्ड पे अपना टिक मारते जाओ, हो सकता है तुम्हारे बुक में बोल्ड ना हुआ हो क्योंकि मैं कल ये सब बोल्ड किया मैंने, या मालूम चला तुमसे क्वेश्चन पूछा गया तुम उसका आंसर नहीं दे रहे हो, या आंसर दे रहे हो तो झूठा आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो इन सब केस में 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। तो ये इसके लिए है, इस पैराग्राफ के लिए है, ये देखो ये वाला पहला वाला, तो इसको टिक कर दो, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वाला है यहां से, ये वाला, इसके लिए ये दोनों है, टिक लगा लो। अब ऑन रिकॉर्ड कन्विक्शन अगर हुआ है तो उसके इसमें 5000 रुपए से लेकर 10000 रुपए जुर्माना हो सकता, कब, जब ये अथॉरिटी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम उसका जवाब नहीं दे रहे, जवाब दे रहे हो तो गलत जवाब दे रहे हो, ये ना। और उसके बाद अगर दोबारा पकड़ाए, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में दोबारा पकड़ाए, तो उसके इसमें 5000 रुपए से लेकर 10000 रुपए तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, ठीक है। चलिए फिर यहां पे भी इंस्पेक्टर को विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट, समझते हैं, मतलब वो बेचारा आया चेकिंग वेकिंग पर और उसको तुम काम करने नहीं दे रहे हो, तो 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा करते हुए पकड़े गए तो 5000 रुपए से लेके 10000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 1000 से 5000 नॉर्मल और दोबारा पकड़ा है तो 5000 से 10000। ये पूरे के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस यही था। अगला, ऑन कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस एंड अगेन गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेम प्रोविजन, ऐसे तो हर जगह वो लिख ही रहा था कि दोबारा पकड़ाओगे तो, लेकिन पूरे एक्ट में हर कोई भी काम, मतलब कोई भी ऑफेंस करते हुए तुम दोबारा पकड़ा है तो उस केस में 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। इसका मतलब अभी तक जेल नहीं चल रहा था ना, हर जगह से फाइन चल रहा था ना, अब जेल कर दिया, जेल हो सकती है। और 2000 रुपए से लेकर 15000 रुपए तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। बाकी डेली 100 रुपया पर डे के हिसाब से क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। अब आ गया चेकलिस्ट, चेकलिस्ट पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया ना,
फॉर्म नंबर याद कर लो, फॉर्म का क्या एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव है वो आप याद कर सकते हैं, और कितने दिन में फाइल वाइल होना है और किसको फाइल होना है। रूल नंबर और सेक्शन वेक्शन चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, है ना। है रिमार्क्स में कुछ लिखा है कहीं पे? रिमार्क्स में जनरली ब्लैंक छोड़ के रखता है ये लोग। रिमार्क्स चेकलिस्ट, अच्छा रिमार्क क्या होता मालूम है? चेकलिस्ट होता है, ये भरेगा थोड़ी, ये तो सच में जब ऑडिटर जाता होगा ऑडिट करने तो वो इसको भरता होगा ना कि ये काम नहीं हुआ है, ऐसे करके ये काम नहीं हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है तो थोड़ा सा हुआ है, नहीं समझे? तो रिमार्क तो हम लोग को नहीं लिखना है, हमें तो सिर्फ चेकलिस्ट बना के छोड़ देना है। रिमार्क तो वो भरते हैं जो ऑडिट करते हैं, बात समझ में आ गया? तो आप भी रिमार्क का बॉक्स बना के छोड़ देना, ये तो कर देना, कहा सर हाँ ये वाला याद हो गया सर, रिमार्क वाला बॉक्स बना के छोड़ देना है सर, इसमें मार्क्स मिलेगा सर। सर ऐसा करें सिर्फ रिमार्क वाला बॉक्स बना के छोड़ के चले आए, ठीक है। चलिए अगला, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इसमें ना अमेंडमेंट था जो मैंने अभी वीडियो डाला है यूट्यूब पर, तुमने देखा होगा है ना, अमेंडमेंट वाला, उसमें मैंने वो कराया है, और वो एक्चुअली जून का अमेंडमेंट, वो गलती से मेरे से दिसंबर लिखा गया है, क्योंकि दिसंबर में मैंने सिर्फ और सिर्फ ICSI के सप्लीमेंट से कराया था, और दिसंबर वाले में ज्यादा अमेंडमेंट था ही नहीं, क्योंकि मैंने जून में जो कराया था एक्चुअली वो जुलाई में करवाया था पिछले बार, क्योंकि जून में एग्जाम हुआ ही नहीं था जून 2020 में, तो वो जो जुलाई में मैंने करवाया तो मैंने लगभग चीजें 30 जून तक की कवर कर ली थी जो दिसंबर पे लागू होने वाली थी। तो जून वाला मतलब अभी जो अमेंडमेंट मेरे यूट्यूब पे उसको अच्छे से कर लेना, और अब तो खैर नया वाला चल ही रहा है। इसमें अगर तुमको याद होगा तो ये चेंज हुआ था, तो ये जरा चेक कर लो, तो तुम्हारे बुक में यही लिखा हुआ ना जो यहां दिख रहा है, तुम लोगों ने चेंज किया है, काट के चेंज किया था तुम लोग, जरा देखो तो बुक में क्या लिखा हुआ था, ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या लिखा हुआ देखो जल्दी से, क्या ये 3.25 और 0.75 भी लिखा हुआ है, क्योंकि यही सही है, अब ये लिखा हुआ है, है? नहीं चेक करो, चेक करो, पेज तो उल्टाओ, कहाँ है, हाँ ठीक है। बाकी DTOH वाले बच्चे जल्दी बताओ क्या यही लिखा हुआ ना तुम्हारे बुक में, अगर नहीं लिखा हुआ तो काट के ये करो, क्योंकि यही सही है। चलिए जी, इसमें अगर हम देखें तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ये मैंने हटा दिया, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ ऑफेंसेस पेनल्टीज, वो हटा इसलिए दिया है क्योंकि वो रिपीट हो गया, गलती से पुराना वाला लिखा गया, तो हाँ पिछला वाला लिखा, तो काट दो तुम उसको, हटा दो, काट के हटा दो, तो इसको काटो, तो काटने में बहुत मजा आएगा देखना आप सबको। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज वाली बात काट दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा चेकलिस्ट आया, वो चेकलिस्ट भी गलती से पुराना ही रिपीट हो गया, तो ये मैंने नया चेकलिस्ट डाला, और नया चेकलिस्ट आप ICSI मॉड्यूल से ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, ICSI के मॉड्यूल में सारा चेकलिस्ट है, ऐसे मैंने कल कट करके डाल दिया है इसमें, तो ये देखिए आप ICSI मॉड्यूल से इतना चेकलिस्ट आता है, इतना फॉर्म सब आता है, कहां सर तो सारा का सारा कोर्स एक तरफ, इनका फॉर्म एक तरफ हो गया सर। अब देखो ICSI बहुत टफ क्वेश्चन पूछा तो ये पूछेगा, लेकिन अगर उसको लगता है कि वो आप कंपैरिजन कर लेना कि क्या ज्यादा बेनिफिशियल होगा, जैसे कुछ बच्चों को लग रहा सर ये याद करने के चक्कर में हमारा SBC कंपनी लॉ JIGL की कुछ चैप्टर छूट जाएंगे सर, तब तो फिर उस केस में तुमको चॉइस करना पड़ेगा कि शायद हमें छोड़ना पड़ेगा ये, नहीं समझे? तो वो एक होता है ना कंपैरिजन होता है कि कौन करने से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, जैसे इससे हो सकता है कि ये फॉर्म नंबर सब में 2 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए, पर 5 मार्क्स के चक्कर में क्या पता तुम्हें लग रहा है कि 20 मार्क्स का रिवीजन छूट जाएगा मेरा, क्योंकि 5 मार्क्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि SBC में देखा जाए लेबर लॉ इतने सारे हैं पर है तो एक ही चैप्टर, और भी तो बहुत सारे चैप्टर हैं, तो वो आप देख लेना कि आपको ज्यादा बेनिफिशियल क्या लगता है, आपके पास कितना टाइम है। जैसे जिनका मान लीजिए एग्जाम आने में अभी 5-6 महीना बाकी है, वो तो चलो कर ले, लेकिन जिनका एग्जाम आने में लग रहा है कि अभी मतलब बस सिर पे ही है, मतलब घर से निकले और एग्जामिनेशन हॉल में घुसे है ना, तो अगर उनको ऐसा लग रहा है तो फिर मेरा मानना है कि छोड़ ही देना चाहिए, बाकी ये बच्चों के विश के ऊपर है, ये नहीं कि छोड़ के चला गया, कहा नितेश सर ने बोला था छोड़ने के लिए, हम उनके वजह से बर्बाद हो गए, ऐसे तो जैसे नितेश सर की सारी बात मानता हो सब, है ना। जो बच्चे कभी भी टीचर को गलत ठहराते हैं ना, उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि उस टीचर की तुमने सारी बात मानी थी, या जो बच्चे अपने माँ बाप को गलत ठहराते हैं, बहुत लोग नहीं स्टाइल में बोलते हैं अरे आज मेरे माँ बाप अगर अच्छे से मेरा पालन पोषण किए होते तो आज हम हीरो होते, है ना, अगर नहीं पालन पोषण किए होते तो तुम वो जो हो वो भी नहीं होते, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ,
तो दूसरे को गलत नहीं ठहराना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने भाई अपना काम तो कर दिया, ये जोड़ दिया, वो आप देख लेना कि आप कैसे याद करोगे। चलो अगला एक्ट, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, 4.75% और 1.75%। बुक में ये लिखा हुआ है पुराने बुक में, तो तुम लोग इसको चेंज कर लो, चेंज करके ये लिखो। और इसका मतलब तुम लोगों ने अभी तक जो YouTube पे मैंने डाला है अमेंडमेंट वीडियो, तुमने नहीं देखा इसका मतलब। और कल ही मैंने बता रहा था एक मैंने ना वहां पे प्लेलिस्ट बना दिया है, दिसंबर 2020 अमेंडमेंट, एक्चुअली वो जून 2020 अमेंडमेंट है, क्योंकि दिसंबर में मैं तो मैंने अमेंडमेंट कराया नहीं था, मैंने सिर्फ क्या कराया था सप्लीमेंट, और दिसंबर में ज्यादा अमेंडमेंट था ही नहीं। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी 4-5 वीडियोस मैंने डाले हैं उसको सब बच्चा देख लो और उसके हिसाब से कर लो। तो ये जो ना 3.25% 0.75% उसमें है, क्योंकि जो नई बुक अब दी जा रही है उसमें तो दोनों अमेंडमेंट को शामिल कर लिया गया ना। ठीक है जी, चलिए ईपीएफ एंड एमपी एक्ट, जानते हो ना प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस में क्या क्या आता है, पेंशन और डिपॉजिट, याद होगा अगर ये चैप्टर तुम लोग पढ़े होगे तो। अब इसके अंदर भी मुझे लगता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं, पेज उल्टा उल्टा के देखते जाना, ये शायद नहीं पढ़ाया होगा मैंने। तो ये क्या है, आपको मालूम होगा कि जब भी कोई रिटायर करता है तो उसका पीएफ का पैसा, डिपॉजिट का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा उसको देना चाहिए। लेकिन अगर आपने उस पैसे को देने में देरी की, तो अगर देरी कितने महीने तक की है, 2 महीने से कम की देरी है, तो उस केस में 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कौन से अमाउंट पे, अरियर, अरियर समझते हो ना, कि जितना पैसा भी आपको ट्रांसफर करना बाकी था। अगर आपका पीरियड ऑफ डिफॉल्ट जो है वो 2 महीने या 2 महीने से ज्यादा, लेकिन कहां तक, तो 10% इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा उस पर। अगर 4 से 6 महीने है तो 15% इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा अरियर अमाउंट पे, और अगर 6 महीने से ज्यादा है तो 25% इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा। बाकी एक बात और, आप कितना पैसा दे रहे हो, क्या पता आप कम पैसा दे रहे हो, ये समझ के बूढ़ा आदमी है, रिटायर आदमी है, ये क्या कर लेगा मेरा, बदमाशी भी करते हैं ना लोग। तो उस केस में एम्प्लॉयर को जब भी वो पैसा देंगे, रेमिटेंस का मतलब होता है पैसा देना, पेमेंट, रेमिटेंस का मतलब पेमेंट, पेमेंट देंगे तो उसको एक चालान जनरेट करना है ईपीएफओ के वेबसाइट से, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जानते हैं ना ईपीएफओ रेगुलेटर इस एक्ट का, ईपीएफओ के वेबसाइट से एक चालान जनरेट करेंगे। चालान का नंबर क्या है, ईसीआर, चालान का नंबर क्या है, ईसीआर, और ईसीआर में आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा दिया, और एम्प्लॉय भी वहां से चेक कर सकता है कि उसको कितना पैसा मिला है। मालूम चला एम्प्लॉय को मिला है कम और ईसीआर जो पोर्टल है उस पर दिखा रहा ज्यादा, तो इसका मतलब फ्रॉड हुआ है। तो क्या पेमेंट आप सीधा हाथ हाथ से देंगे या वेबसाइट के थ्रू देंगे, अब वेबसाइट में इंफॉर्मेशन वहां पर रहेगा अब, है ना, तो अब फ्रॉड नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, फ्रॉड नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है कि सर क्या लिखा है ये, सर ऊपर का पॉइंट नंबर 3 भी नहीं हुआ है, कौन सा है ये एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, आशीष सिंह ने पूछा है, थोड़ा सा क्लियर किया करो कि कौन सा पॉइंट नहीं हुआ, मैं पढ़ा दूंगा तुरंत अभी। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर आईसीएसआई मॉड्यूल में भी ईसी वो जो था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, उसमें वही 4.71.7 लिखा है, जिसका मतलब आईसीएसआई ने भी उसको चेंज नहीं किया, आईसीएसआई भी बहुत बार चेंज नहीं करता, तभी तो वो सप्लीमेंट देता है। आईसीएसआई अपने मॉड्यूल के साथ क्या देता है, हमेशा सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट के हिसाब से मॉड्यूल को अमेंड करना पड़ता है ना, तो वो मॉड्यूल को अमेंड नहीं करते, मॉड्यूल एक ही चलाते रहते हैं, बस उसमें क्या जोड़ते रहते हैं बार बार, वो सप्लीमेंट सप्लीमेंट सप्लीमेंट। तो एक्चुअली ना ये D2H में 10 सेकंड लेट चलता है, मैं कुछ बोलूंगा तो 10 सेकंड के बाद पहुंचेगा, फिर मुझे 10 सेकंड वेट करना पड़ता है। आशीष सिंह जल्दी बताओ सर क्या लिखा है, सर ऊपर का पॉइंट नंबर 3 भी नहीं हुआ है, ये कौन है, ये एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, यार ये तो हमेशा ही हुआ है, यानी तीनों स्कीम मैंने करवाया होगा, ये सब मैंने करवाया, ये सब ठीक है, सिर्फ क्या जो रहा एग्जैक्टली ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, याद होगा जो बच्चे के पास बुक है ये सब मैंने कराया हुआ होगा। आशीष सिंह लगता है वीडियो ठीक से देखा नहीं है, है ना, ये देखो एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम मैंने ये करा दिया है। अच्छा, कहीं कुछ अमेंडमेंट तो नहीं आई, क्या पता वो अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, देखो तो ये सब ठीक लिखा हुआ, 50,000 प्लस इतना, ये सब ठीक है, यही है ना, तो फिर ये तो मैंने कराया है।
चलिए जी, बाकी बच्चे भी बोला करो कि हाँ देखो बच्चे बोल भी रहे हैं कि हो चुका है हो चुका है हो चुका है, दृष्टि साकिब ये सब लिख तो रहा है सर, ये यस सर हो चुका है, शिवानी भी बोल ली हो चुका है। चलिए फिर से, अब तो तुम लोग एडवांस नॉलेज देख के डर जाओगे। नहीं, ये आ गया क्या, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में होता है फॉर्म नंबर, फॉर्म किस चीज के लिए होता है, और क्लॉज को छोड़ देंगे आप, क्लॉज को छोड़ देंगे, और ये किसको फाइल करना है और कितने दिन में फाइल करना है ये आपको याद करना है, बस इतना ही सारा फॉर्म है बस। ठीक है, अब आइए पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, याद है ना बोनस एक्ट पढ़ा था, और बोनस एक्ट में मुझे लगता है काफी मैंने पढ़ाया होगा, अब तो बहुत कम हो गया, अब तो कम हो गया, उसमें मुझे लगता है मैंने ज्यादा वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो जो ज्यादा पढ़ाया हुआ है उसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी इसके अंदर तो कुछ है नहीं। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ना देखो तो, या ये भी करा चुका हूं, चेक करो तो, ये करा दिया था ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, बोलो फिर भी मैं एक सेकंड में करा दूंगा। अगर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट को आप नहीं मानते हैं, उसके रूल्स को नहीं मानते हैं, तो आपको 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 1,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और दोनों भी हो सकता है। अगर मैंने ये नहीं करवाया हुआ है तो मैंने करा दिया। एडवांस और नॉलेज में ये सारे के सारे फॉर्म फिर से आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ग्रेचुटी बताओ तो कब मिलता है, लास्ट में, ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, ग्रेचुटी भी क्या है, रिटायरमेंट बेनिफिट है। इसमें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ये नया है मुझे लग रहा है ना, और तो कुछ नहीं है, देख लो बाकी सब मैंने पढ़ाया हुआ है, चेक कर लो एक बार, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना, यही ना ऑफेंसेस पेनल्टीज है ना नया। सुनिए, मालूम चला आप अवॉइड कर रहे हैं टू मेक पेमेंट, आपको ग्रेचुटी देना चाहिए रिटायरमेंट होते ही, पर आप ग्रेचुटी नहीं दे रहे, तो 6 महीने तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। दूसरा, मालूम चला एक्ट और रूल्स के जो बाकी प्रोविजंस आपने उसको नहीं माना, तो 3 महीने का कम से कम जेल, जो 1 साल तक हो सकता है, और फाइन भी लगेगा, फाइन क्या होगा ये बताया गया नहीं है। ठीक है, फिर चेकलिस्ट आ गया, मतलब लेबर लॉ में तो चेकलिस्ट देख के बच्चा एकदम बिगड़ जाएगा, मुझे लगता है गुस्से में आ गए कि चेकलिस्ट फाड़ फूड़ ना दे सब पकड़ के, फाड़ोगे तो नहीं तुम लोग, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉर्म नंबर, फॉर्म का क्या पर्पस है, कितने दिन में ये बन जाना चाहिए, कितने दिन में फाइल हो जाना चाहिए, और किसको फाइल हो जाना चाहिए, उसको ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आइए एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं, कुछ नहीं है, मुझे लगता है कम हुआ होगा, या ये है देखो तो, ये सेक्शन 17A, चेक करो तो जरा बुक में है, मैं तो मैंने पहले करा चुका हूं ये, अगर नहीं भी कराया तो मैं फिर से कराया तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। सेक्शन 17A में लिखा हुआ है कि जब भी कोई भी आदमी किसी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करेगा, तो नौकरी ज्वाइन करते ही वक्त, इमीडिएटली इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसका राइट बता देगा, राइट ऑफ कंपनसेशन, कि अगर आपके साथ कुछ, आप जानते हैं एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट तब लगता है जब कोई डिसेबलमेंट हो, क्या हो, डिसेबलमेंट हो, तो आपके साथ अगर ऐसा ऐसा डिसेबलमेंट होगा तो हम आपको इतना इतना कंपनसेशन देंगे। आप इंग्लिश में बता दो, हिंदी में बता दो, इलेक्ट्रॉनिकली बता दो, राइटिंग में सामने से लिख के दे दो, है ना, या जो लैंग्वेज वो समझता हो उस लैंग्वेज में, जो ऑफिशियल हो, जैसे अब मालूम चला महाराष्ट्र है वहां मान लीजिए मराठी चलता है, तो फिर मराठी में बता दीजिए आप उसको, उसको समझ में आ जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, इसके अंदर देखते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ही नया होगा मुझे लग रहा है, बाकी इसके पहले एफ पॉइंट तक देखो तो मैं पढ़ा चुका हूं, चेक करो, पता नहीं लग रहा तो कुछ टिक विक नहीं लगाई हो कुछ, ये देखो ये रूल्स ये है ना, ये है तो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज पर टिक विक नहीं होगा, वो तो टिक से पता चल जाता है कि तुमने वो किया है कि नहीं, वीडियो में अगर मैंने पढ़ाया होगा तो तुम कुछ ना कुछ टिक लगाया होगे, अच्छा खुद पढ़ लिया था टिक लगा लगा के, अरे वाह। अब बाकी लोग, हमें कुछ नहीं पता, नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते, बाकी को तो पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है ये, अरे हो क्या रहा है हो ये रहा है कि वीडियो में अगर ज्यादा मैंने पढ़ा दिया तो उसको छोड़ देना है, वो आपकी विश है, जो एडिशन मैंने किया वो मैं करवा रहा हूं, और एडिशन देखा जाए तो ऑलरेडी मैं ज्यादा पढ़ाता था तो एडिशन ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, चेकलिस्ट जरूर है, वो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, इस एक्ट के का भी कॉन्ट्रावेंशन अगर आप करते हैं, अगर एम्प्लॉयर से डिफॉल्ट होता है तो उस केस में 50% ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट प्लस जो देरी हुई उसकी वजह से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वर्कमैन जिंदा तो वर्कमैन को, वर्कमैन मर चुका है तो उसके डिपेंडेंट को, और ये आपको कंपनसेशन कब तक जमा कर देना है, 1 महीने के अंदर जमा कर देना है, किसके साथ, बोलो कंपनसेशन कमिश्नर के साथ।
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैंने देखा होगा तो लाइन बाय लाइन पूरा ही पढ़ाया था और ये पूरा पढ़ना भी चाहिए मेरा मानना है। हाँ, इसके अंदर एडिशन जरूर होगा, इसमें मैंने हटाया नहीं होगा कुछ, लेकिन एडिशन जरूर होगा। एडिशन ये है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था ये बहुत बड़ा चैप्टर था अगर देखा जाए लेबर लॉ में, तो इसमें मैंने कुछ हटाया नहीं है बुक से, इसका मतलब वीडियो से लगभग पूरा मैच कर जाएगा, वीडियो से पूरा ही मैच करेगा ये। हाँ, ये जरूर एडिशन आपको देखना है। अगर आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस करते हैं तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 3,000 रुपये तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट हुआ तो 1 महीने तक की जेल हो सकती है, 50 रुपये तक का, बताइए 50 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और लॉकआउट के केस में 50 रुपये क्या बन जाएगा, क्योंकि लॉकआउट कौन करता है, कंपनी। स्ट्राइक कौन करता है, एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज तो गरीब होते हैं ऐसा माना जाता है ना, तो उस केस में या दोनों भी लग सकता है। अच्छा, इंस्टिगेशन का मतलब होता है आग में घी डालना, उसको क्या बोलते हैं, आग में घी डालना को क्या बोलेंगे एक वर्ड में, भड़काना, भड़काना ना, हम भड़काते हैं ना एक दूसरे दोस्तों को, भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ, भड़काते हैं, चुगली करते हैं, हम चाहते हैं कि दो दोस्त आपस में मारपीट कर ले, दो पड़ोसी आपस में मारपीट कर ले और हम वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाले। भड़काना, याद रखना, भड़काना बहुत घटिया, लड़ाई झगड़ा करने से घटिया क्या होता है, भड़काना, है ना। आप जानते हैं अगर दुनिया में कोई भड़काने वाला ना हो ना तो दुनिया में कभी कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। दो लोग के बीच में कोई परेशानी भी है, दो लोग आपस में बैठ के सुलझा लेगा, लेकिन जो भड़काने वाले लोग होते हैं ना, अच्छा तुमको ऐसा कहा, अरे तुम्हें गाली दे दिया, तुम्हें पता नहीं चला, मैं लिख के बताता हूँ तुम्हें क्या गाली दिया और इस गाली का मतलब क्या क्या, मैं ये भी बताता हूँ, तो सामने वाले को क्या आ जाता है, गुस्सा। जब गुस्सा आ जाता है तो वो फिर उसको मारने पीटने चला जाता है, फिर उधर से भी भड़काने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए जितने कम लोगों से मतलब रखेंगे उतने ही हम सुखी रहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो किसी का सुख चाहते हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, कहा सर हम अपने फ्रेंड को याद कर रहे हैं, मुझे वो बहुत बार भड़का चुका है, हैं। चलिए, इंस्टिगेशन का मतलब भड़काना, इलीगल स्ट्राइक करने के लिए, लॉकआउट करने के लिए अगर कोई भड़काता है, भड़काने वाले को 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 1,000 रुपये तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। ये तो भड़काने से भी आगे बढ़ गया, कहा तुम स्ट्राइक करो और स्ट्राइक करो, लॉकआउट करो, स्ट्राइक करो, आग वाग लगाओ फैक्ट्री में, मिट्टी तेल मैं दूंगा, पेट्रोल मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा। जैसे बहुत लोग नहीं बोलते हैं कि जहर खाने के लिए पैसे नहीं, तो कुछ घटिया दोस्त होते, कहता जहर खाने के लिए पैसे मैं दूंगा, चिंता मत करो तुम जहर खाओ, तो ये ज्यादा घटे, वो भड़काने वाले से भी एक कदम आगे बढ़ गया, नहीं तो पैसा देने लगा, तो इनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है कि नहीं छोड़ा जाएगा, लॉ को तो कोई असर ही नहीं हुआ है, उनको भी बोला 6 महीने तक की जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना, मतलब ये दोनों में सेम ही रखा है, पर मेरा मानना है फाइनेंशियल एड देने वाले को तो ज्यादा पीटना चाहिए। अच्छा, सेटलमेंट आपको याद होगा, सेटलमेंट भी हो जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में आर्बिट्रेशन के थ्रू या ऐसे, उसका तुमने ब्रीच कर दिया, ब्रीच का मतलब तोड़ दिया, नहीं माना है ना, तो उस केस में 6 महीने तक की जेल हो सकती है और फाइन भी लगेगा। अब फाइन कितना लगेगा नहीं बताया गया है, बाकी फिर भी अगर ऑफेंस को कंटिन्यू किए तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन लगता रहेगा। उसके बाद सेक्शन 21, अब ये क्या है, उससे जुड़ा हुआ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कुछ होता है, तो उसको अगर आपने बाहर क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपने बाहर लीक किया, तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है, 1,000 रुपये तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। लगभग हर जगह 6-6 महीने से ज़्यादा प्यार हो गया इसको लग रहा है, वो 6 महीने से आगे बढ़ ही नहीं रहा। उसके बाद सेक्शन 25 FFA में आपने नोटिस दिए बिना क्लोजर कर लिया, मतलब आपको नोटिस देना होता है, नोटिस देने के बाद क्लोजर करेंगे, लेकिन नोटिस दिए बिना आपने क्लोजर कर दिया तो फिर भाई 6 महीने तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। उसके बाद अभी डिस्प्यूट अभी कोर्ट में है और उसी बीच में तुमने क्या कर दिया, चेंज ऑफ सर्विस। आपको याद होगा कुछ लोग प्रमोशन कर देते हैं, डिमोशन कर देते हैं, ये कंपनी एक्ट में भी लिखा हुआ था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा आप किसी भी ऑफिसर के रैंक में प्रमोशन डिमोशन ये सब नहीं करेंगे, तो यहाँ प्रमोशन डिमोशन लिख लो। अगर ऐसा करते हुए नजर आए तो 6 महीने तक की जेल हो सकती है और 1,000 रुपये तक का क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। उसके बाद इतना कुछ लिखने के बाद भी वो एक लाइन लिख रहा है कि कहीं अगर कोई पेनल्टी गलती से छूट गया हो, हमने ना लिखा हो, ऐसा लग तो नहीं रहा कि कहीं छूटा होगा, है ना, तो 100 रुपये तक का फाइन लगेगा या कोर्ट जो डिसाइड करे। वाह वाह, चेकलिस्ट आ गया, चेकलिस्ट आपको याद कर लेना और याद जरूर करना अगर आप SBC में लाना चाहते हो 100 में 100, ठीक है। चलिए, ट्रेड यूनियंस एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट में देखते हैं कोई चेंज है या नहीं। हाँ, ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, ये रिटर्न अंडर द एक्ट भी मैंने पढ़ा दिया ना, ये मैं इसी से पकड़ लेता हूँ, ये बोल्ड बोल्ड हुआ हुआ ना,
तो जो बोल्ड बोल्ड हुआ होता है मैं पढ़ा चुका होता हूँ, और जो मैं नया जोड़ता हूँ उसमें मैं अब बोल्ड करता हूँ। आइए ऑफेंसेस पेनल्टीज। याद है ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन क्या होता है? एम्प्लॉयज के बातों को उठाने के लिए, है ना। चलिए मालूम चला जो आपका जनरल स्टेटमेंट आपको कहा जाता है बनाने के लिए, उसमें तुमने गलत एंट्री की है। क्या की है? गलत एंट्री की है या एंट्री तुमने छोड़ दी है। बात समझ में आ गया? मतलब इस फॉर्म के अंदर, ये जो फॉर्म है जनरल स्टेटमेंट का फॉर्म है, इसमें तुमने फॉल्स एंट्री की है, तो उस केस में क्या होगा सो देखो आप। 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर कॉन्टिन्यूइंग डिफॉल्ट है तो 5 रुपया पर वीक, जो बहुत हुआ तो कहां तक जाएगा, 50 रुपए तक, मतलब हद हो गया अब। मतलब 5 रुपए के हिसाब से मान लो 100 वीक था, तो 100 वीक का कितना हो जाता, 500। तो कहा नहीं 500 बहुत ज्यादा हो गया, 50 ही रहेगा बस। बताइए एक्ट कब का है जरा देखते हैं, मजा आ रहा है ये देख के। इतना पेनल्टी तो मैं रख दूं पहले और उसके बाद कॉन्ट्रावेंशन करूं, नहीं वो भी यूट्यूब लाइव पे। कहां गया 1926, उस समय का 50 रुपया आज का 50,000 नहीं 5 लाख हो सकता है। तो मेरा मानना है कि लेबर लॉ नीड्स रिफॉर्म, लेबर लॉ नीड्स रिफॉर्म। ऐसे पुराने हमारे मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि लेबर लॉ नीड्स रिफॉर्म। लेबर लॉ में तो रिफॉर्म नहीं हुआ, उन्हीं को रिफॉर्म कर दिया गया, तो ये हालत है। अच्छा ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन तुम गलत दे रहे हो तो 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। फॉर्म वॉर्म में गलत चीज लिख रहे हो तो 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक्चुअली चक्कर क्या है, लेबर लॉ गरीब लोगों का लॉ है, गरीब लोगों को तो कोई देखने वाला नहीं है, है ना। यही आप देख लीजिए सिक्योरिटी लॉ, अमीरों का लॉ। अब सिक्योरिटी शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट करोड़ों अरबों रुपया डेली आ रहा है जा रहा है, अमीरों का लॉ है, डेली चेंज होता है, तुमने देखा होगा। सेबी सिक्योरिटी लॉ तो सबसे ज्यादा चेंज होता है। आज देखो, आज मैं जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं उसमें सबसे टफ सब्जेक्ट और सबसे प्यारा सब्जेक्ट सिक्योरिटी लॉ है, और सिक्योरिटी लॉ मेरा सबसे अच्छा माना जाता है। तो उसका कारण है कि उसमें अपडेशन खूब होता है, खूब डेली चेंज होता रहेगा, डेली चेंज होता रहेगा सिक्योरिटी लॉ। आप में से कोई बच्चा सिक्योरिटी लॉ पढ़ा है? आप देखना, पढ़ना बहुत मजा आएगा, उसमें शेयर ट्रेडिंग ये सब है, थोड़ा टफ है लेकिन मजेदार है। आइए मैटरनिटी रिलीफ एक्ट, इसी को मैटरनिटी बेनिफिट, इसमें एक जगह ना अमेंडमेंट है, तुम लोग कर लो। यहां एक अमेंडमेंट है, ये कर लीजिए, तुम्हारे बुक में ना 6 वीक लिखा हुआ होगा, इसको 8 वीक्स कर लो। यहां 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 पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट में, पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, डीटीएच वाले बच्चे तो कमेंट में से भी ले, हो चुका हो चुका हो चुका हो चुका सर, हो चुका हो चुका, सब यही लिखा हो चुका हो चुका, कुछ तो एकदम भारी आवाज में हो चुका। मिला ये? तो पहले क्या होता था कि आप 26 वीक का देते हैं मैटरनिटी बेनिफिट, लेकिन उसमें पहले 6 वीक पहले, मतलब डिलीवरी से पहले 6 वीक दिया जाते थे। अब बोला कि डिलीवरी से, एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 6 वीक नहीं, अब 8 वीक पहले ही आपको उस वेमेन को छुट्टी पर भेज देना पड़ेगा, है ना। तो जब भी कोई भी वेमेन एम्प्लॉय अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे कितना दिन पहले, 8 वीक पहले, क्या था 6 वीक, तो पहले 6 वीक पहले छुट्टी देना पड़ता था, आजकल 8 वीक पहले छुट्टी देना पड़ता है, ठीक है। अब बाकी टोटल तो 26 ही है, टोटल तो क्या है 26 है, तो 26 में से 8 चला गया, बाकी मिलेगा डिलीवरी के बाद, बाकी सब कुछ सेम सेम है। अच्छा ऐसे एम ही सेम सेम, छीछी मत समझ लेना। चलिए अगला, चाइल्ड एंड एडॉल्स इन लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। ये तो मैंने फिर भी नया दिया हुआ है, आईसीएसआई के मॉड्यूल में तो मैंने देखा वो बहुत पुराना चला रहे हैं, बस वो सप्लीमेंट दे दे के अपना काम चला रहे हैं, तो मैंने तो एकदम ज्यादा पढ़ाया था, का यही तो दिक्कत है, आप ज्यादा पढ़ाते हैं, ज्यादा आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं पेनल्टी पेनल्टी सब मैंने करा दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली बात सब देख लो तुम, ये सब करा दिया ना, बस इसमें मैंने इस बार ना बोल्ड कर दिया है, तो तुम चाहो तो इसको देख देख के बोल्ड कर सकते हो, या तुम लोग बोल्ड किए हुए पहले से, किए हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसेबिलिटीज, ये तो नया चैप्टर ही ऐड हुआ था, ओल्ड में नहीं था, न्यू में है, तो ये तो एकदम प्योर ही मैंने नया पढ़ाया था, तो इसमें तो कुछ चेंज होना ही नहीं है। फिर ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये भी नया जोड़ा ही गया था नए सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस में होता ही नहीं था, तो इसकी तो फ्रेश रिकॉर्डिंग ही मैंने न्यू सिलेबस की हुई है, तो इसमें भी कुछ चेंज होना नहीं है, ठीक है। इसके बाद चेकलिस्ट में अगर हम देखें तो
तो चेकलिस्ट में इसके बाद आता है कौन, इन्वायरमेंटल लॉज, जो मैंने कल करा दिया। तो आज सारा बच्चा बोलेगा इतने खुशखुश क्यों लग रहे हैं आप, इतने खुशखुश मैं इसलिए लग रहा हूं क्योंकि मैंने अब अमेंडमेंट एडिशन जितना होना चाहिए था मैंने सब करा दिया है, सब मेरे तरफ से कंप्लीट है।